नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो आज से हमारा एक नया सेशन चालू होने जा रहा है जो कि एनसीईआरटी का पॉलिटी का है। तो क्लास सिक्स टू ट्वेल्व तक हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्लास छः से लेके 12 तक जो भी एनसीईआरटी है, जो कि यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होगा। तो यूपीएससी के बेसिस पे यह तैयार किया गया है सेशन। तो पूरा का पूरा जो है ये पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो ये लगातार सेशन आएगा, ये मैराथन क्लास होगा। पहले बता दें, मैराथन क्लास होगी, क्लास सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ इस प्रकार से आएगा। इसके बाद ज्योग्राफी क्लियर करेंगे हम, ठीक है, क्लास सिक्स से ट्वेल्व। इसके बाद इकोनॉमी का क्लियर करेंगे 9 से 12, ठीक है, 9 से, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके साथ ही साथ जो है पूरे सब्जेक्ट को हम एक कंपाइलेशन, एक प्लेलिस्ट बना के आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये पहला सेशन है, आई होप कि ये इसी तरह से सेशन चलता रहेगा और ये पूरा सेशन हम साथ में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा 9 अध्याय है, क्या क्या करना है आपको, कैसे कैसे पढ़ना है, उस चीज़ की सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है हमारा एनसीईआरटी, जो सामाजिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं, सामाजिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी बेसिकली क्या है, इसमें हम पुस्तक में जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पुस्तक जो हमारी क्लास सिक्स की एनसीईआरटी है। तो फर्स्ट उसमें लिखा गया है कि इस प्रकार से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ इसमें एक है कि विविधता की समझ, जो हमारे भारत में विविधता है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जाति है, धर्म है, तो उस विविधता को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स से, और ट्वेल्थ तक जो कि यूपीएससी बेस्ड पे बनाया गया है पेपर, उसको भी वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से पेपर है। तो बेसिकली विविधता की समझ देख लेते हैं, जैसे कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, भारत इन्हीं विविधताओं वाला देश बना है, ठीक है। तो विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे कि विविधता किस प्रकार से हमारे कौन कौन से विविधता हमारे देश में है, जैसे कि थिंकिंग स्टाइल हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, एथिसियनिटी हो गया, रिलीजन हो गया, प्रोस्पेक्टिव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, नेशनैलिटी हो गई, जॉब लेवल, रेस, कल्चर, स्किल्स बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, फिजिकल एबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और एज से बेसिस पे हम विविधता की समझ को समझेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से है। देखती है, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ऊपर की तरफ, ठीक है, पंजाब है, पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें अधिकतर क्षेत्रों में क्या है, हिंदी बोली जाती है। इसके बाद संस्कृत क्षेत्रों में कुछ बोली जाती है, फिर असमीज़ असम में असमीज़, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, उड़ीसा उड़िया, तेलुगु तेलंगाना तेलुगु, फिर तमिलनाडु में तमिली बोली जाती है, ठीक है, कनाडा बोली हो गई इसलिए से कोंकणी, ठीक है, मलयालम, मराठी, मुंबई में गुजराती, गुजरात में। तो इस प्रकार से क्या है कि लोग एक दूसरे से कई मामले में भिन्न होते हैं, वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो जितने भी 28 राज्य हैं, 2800 राज्य में कितनी आपको संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जबकि कई हज़ारों भाषाएं हमारे भारत में है, ठीक है, विद्यमान है। तो उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो विविधता भाषा के आधार पर है, कई जातियां बटी है। आप जातियों में देखते होंगे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, ठीक है, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। तो इस प्रकार के जातियों में भी कई उपजातियां हैं, ठीक है, ब्राह्मण में भी कई उपजातियां हैं। तो इस तमाम प्रकार की जाति के भी देखते हैं रहन, और रहन सहन की बात कर लिया जाए तो आप उत्तर भारत का रहन सहन देखेंगे और दक्षिण भारत का रहन सहन देखेंगे, तो उसमें काफ़ी कई चीज़ों में जो जीवन शैली होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। उनके धर्म जो हो गए, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो भारत में तब सभी प्रकार के धर्म जो है निवास करते हैं। त्यौहार भी, जैसे हिंदू धर्म क्या है, त्यौहारों के माध्यम अगर देखा जाए तो होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, जबकि मुस्लिम क्या मनाते हैं, मुस्लिम अपना ईदगाह मनाते हैं। तो उस प्रकार से ये क्रिश्चियन लोग जो है 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो उस प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो धर्म के नाम पे रहन सहन और खान पान, भाषा और त्यौहार आदि में भिन्न होते हैं, यही विविधता कहलाती है, ठीक है। आइए विविधता की सामान्य समझ को देख लेते हैं। विविधता की सामान्य समझ क्या है कि जाति व्यवस्था विविधता का एक उदाहरण है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि जाति को एक यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जाति व्यवस्था एक विविधता का उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। तो जातियों का जो है आधार बांट दिया गया कि लोग किस प्रकार से काम करेंगे, तो उस प्रकार से उनको जातियों में विखंडित कर दिया गया। जैसे ब्राह्मण जो होते थे वो पूजा पाठ में, क्षत्रिय जो है वो क्या करते थे, युद्ध लड़ने में, वैश्य क्या होते थे, वैश्य व्यापारी होते थे, ठीक है, इस प्रकार से, और शूद्र क्या होते थे, ये इन तीनों की सेवा करते थे। इस प्रकार से हमने पढ़ा भी था तो आप लोगों को पता भी होगा। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करके देखेंगे, लेकिन नॉर्मल सी है कि अगर जाति व्यवस्था के आधार पर भी देखा जाए तो काम के आधार पर, काम के बेसिस पर, यानी ड्यू टू द बेसिस ऑफ वर्क,
इसके जो है कटी कैटेगरी में जो कि चार भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके इनके बारे में परिचय ले लेते हैं कि लोग जिस जाति में पैदा होते हैं, लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। पिछले ज़माने में क्या होता था कि पिछले समय प्राचीन समय में हमारा कि जो लोग जिस जाति में पैदा होते थे उस जाति को बदल नहीं सकते थे, यानी जो वो कर्म करते थे वही कर्म कर सकते थे उस जाति के हिसाब से। लेकिन वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो पूजा पाठ ही करें, आप राजनीति में जा सकते हैं, ठीक है, आप व्यापारी भी बन सकते हैं, या फिर तमाम प्रकार के आपके सामने जो है आप फ्रीडम है, ठीक है, आप अपने लाइफ को लेकर यानी अपने जीवन शैली को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर आप फ्रीडम हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, पहली बात। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति जो है वो कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन के रह सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। तो बेसिकली क्या बताया गया कि जैसे एट द टॉप पे जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे, तो पीपल क्लोजेस्ट टू द गॉड, मतलब इनको माना जाता था कि ये लोग जो है वो भगवान के सबसे करीबी हैं, तो ये सबसे ऊपर है एट द टॉप मोस्ट पे। दूसरे पे क्या आते थे, नेक्स्ट जो है वो क्षत्रिय आते थे, द वॉरियर क्लास, मतलब जो युद्ध लड़ते थे। तीसरे क्या आते थे, आफ्टर दें क्या आते थे, वैश्य, जो कि बिजनेस क्लास, मतलब कि ये लोग क्या होते थे, किसी व्यापार में संलग्न होते थे। एट द लास्ट स्टेज पे क्या आते थे कि शूद्र आते थे, द लोवेस्ट क्लास ऑफ फार्मर एंड दोज हु सर्व द अदर क्लासेस, मतलब कि इसमें किसान, व्यापारी, माफ़ कीजिएगा, किसान आते थे जो कि इन तीनों की सेवा करते थे, ठीक है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि दो जो कास्ट सिस्टम जो है डिवाइड किया गया था इसी बेसिस पे। अगला देखते हैं कि भारत में कौन सी विविधता है। देखिए विभिन्न भारत जो है विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं हम, ठीक है, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। हमारे भारत में क्या है कि हम विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इतनी प्रकार की वैरायटी है। आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, हमारे आगरा में आ जाइए, ठीक है, इलाहाबाद में हमारे आ जाइए, तो इस तमाम प्रकार की जो है एक स्पेसिफिक जगह की एक स्पेसिफिक डिश होती है, या फिर तमाम प्रकार की यहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं डिफ्रेंसिएशन होता है, और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का हम जो है पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के जो है वो तरीके अलग हैं, ठीक है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम एक ही तरह करते हैं लेकिन हमारे करने के जो तरीके वो है अलग है। जैसे हम हिंदू क्या करते हैं, हिंदू लोग क्या करते हैं कि वो मंदिरों में पूजा करते हैं, वहीं अगर मुस्लिमों को देखा जाए तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी एक तरह का हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा मंदिर हो गया, और हमारा ही क्या है, हमारा मस्जिद भी है, ठीक है। तो ये तरीके अलग है लेकिन हम करते एक ही चीज़ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये टी स्टॉल है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, एक सिख है, तो ये चारों जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई जो हमारा नारा दिया गया था पहले हम कक्षा 5 में पढ़ते थे, तो उसी बेसिस बताया गया है कि जब आप किसी टी स्टॉल पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई जात धर्म पूछकर आपको चाय नहीं देता, आपको इस बेसिस पे ट्रीट नहीं किया जाता कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं या फिर आप किस जाति के हैं, बल्कि आपको इस आधार पर वहाँ पे चाय दिया जाता है कि आप एक कस्टमर हैं, एक भारतीय हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब टी स्टॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके कोई ना धर्म पूछता है ना कोई जाति पूछता है, तो वही बेसिकली बताया गया है कि एकता का, विविधता में एकता, ठीक है, वही इसकी पहचान है भारत की, जो महत्वपूर्ण इसको जो है सभी दुनिया से अलग करता है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर विविधता की बात की जाए तो उसको हम देख लेते हैं। करीब 225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार का एक भाग दूसरे भाग की यात्रा करते थे। आपको पता होगा कि जो 1498 में वास्को डिगामा जो कोचीन में आया था तो किसके माध्यम से आया था, वो जहाज़ के माध्यम से आया था, पानी के माध्यम से आया था। तो उस समय रेल नहीं थी, हवाई जहाज़ नहीं थे, बस नहीं थी, कारें नहीं थी, लेकिन उस समय में भी क्या होता था कि लोग पैदल यात्रा के माध्यम से या फिर घुड़सवारी के माध्यम से या फिर जो पानी में जहाज़ होता है, पानी जिसे हम नाव कहते हैं, नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते थे। तो यह आवाजाही पिछले प्राचीन समय से ही चली आ रही है। देखिए कुछ लोगों का जो आने का तरीका होता था, मतलब वो किस वजह से एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे, तो वो जो पलायन करने का उनके उद्देश्य होता था, पहला तो व्यापार का लिए उद्देश्य था, ठीक है। तो एक व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करता था तो उनका एक जो है मुख्य कारण था वो व्यापार के लिए, दूसरा कि खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में, ठीक है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी था कि जब हम एक जगह पर जो उपजाऊ उसकी ख़त्म हो जाती है तो उसको हम आगे जगह
अगली जो है ज़मीन की तलाश में चले जाते हैं, या फिर पशु चारण के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि जो पशु चारक होते थे वो एक स्थान से जब अपने पशुओं को चराते थे, जब वहाँ पे ग्रास जो है वो ख़त्म हो जाती थी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो ये पलायन करते रहते थे। ठीक है, सूखे और अकाल के कारण कई बार क्या होता था कि एक भूमि पर होती थी जो है अकाल पड़ जाता था तो दूसरे जगह वो चले जाते थे, व्यक्ति पलायन कर जाते थे, काम की तलाश में कई बार होता था और कई बार युद्ध के लिए। ठीक है, तो ये जो है क्या हुआ कि करीब 200 तो दो सवा 200 वर्ष पहले जब रेल हवाई जहाज़ और बस कारें नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग क्या होते थे संसार के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ यात्रा करते थे। क्या वो कारण क्या होते थे? व्यापार के लिए, खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में, सूखे और अकाल के कारण, और काम की तलाश में एवं युद्ध की स्थिति में। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में विविधता, जब लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर भारत में और केरला का अगर हम कंपेयर करें तो उनके रहन सहन में काफ़ी कुछ बदलाव देखा जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे जैसे वो अधिकतर क्या होता था कि हमारे जब हम केरला का नाम सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक तरह की इमेज बन जाती है। केरला वाले क्या होते थे कि सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता इस तरीके से पहनते हैं, जबकि उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो खाने पीने का तरीका, अगर केरल में देखा जाए तो केरल में क्या होता है कि एक पत्ते होते हैं, उसी पत्ते पर जो है वो चावल होते हैं क्योंकि वहाँ पे चावल उत्पादन ज़्यादा होता है, तो चावल जो है कि किसी तरीके से गोला बना के खाने का तरीका जो होता है उनके अलग होते हैं। तो एक जब हम किसी विशेष क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो उस क्षेत्र की एक विशेष छवि हमारे मन मस्तिष्क में बन जाती है। तो जब लोग नई जगह बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा क्या होता है, बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो आप मान लीजिए मैं अपने से, क्योंकि अब जब अपने से आप किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगेंगी। तो जब इलाहाबाद में आप रहेंगे तो इलाहाबाद में रहने सहने का तरीका क्या है वो अलग है। हम लोग एक बार चाय बनाते हैं, एक बार खाना बनाते हैं, उसमें उतने हमारा दिन निकल जाता है। मान लीजिए आप फैमिली के साथ लखनऊ चले गए, नवाबशाही, ठीक है, तो मैं लखनऊ में भी रहा हूँ, ठीक है, तो लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि वहाँ पे जो रहने सहने का तरीका है वो अलग हो जाती है, जो आपकी जीवन शैली है वो बेसिकली वहाँ से अलग हो जाती है। तो कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वो पुरानी ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। जैसे क्या होता है कई बार हम कुछ नई चीज़ों को हम अपना लेते हैं और कई चीज़ें क्या होती है पुरानी ढर्रे से चलती रहती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब वो आलसी व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए उसकी जीवन शैली अलग है या फिर जीवन जीने के तरीके अलग है, खाने पीने के तरीके कुछ हो सकता है अलग है। अब वो किसी विशेष क्षेत्र में जाता है, मान लीजिए एक उत्तर भारत का व्यक्ति एक दक्षिण भारत के राज्य में जाता है, ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए उसने कुछ जो है चीज़ें जैसे खाने का तरीका वो अपने ही रखेगा, ठीक है, खाने का तरीका मान लीजिए वो उत्तर भारत की जो दाल चावल सब्जी रोटी जो होती है वही चीज़ें खाएगा, लेकिन रहने का तरीका या फिर बात करने का तरीका हो सकता है उसका बदल जाए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी भोजपुरी क्षेत्र में रहते हैं, आप अवध प्रांत में आ जाते हैं जैसे बहराइच में, ठीक है, मैं अभी इस समय बहराइच में हूँ, तो क्या होता है कि मैंने खुद देखा, अपने आप से एक रिलेट कर पाया कि मैं जब वहाँ पर था तो वो चीज़ें थी, तो उस क्षेत्र विशेष में अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र की जो विशेष भाषा थी जैसे भोजपुरी हो गई, तो मैं वहाँ पे भोजपुरी अच्छी तरीके से बोलता था, ठीक है, अवधी, अलीगढ़ी, ठीक है, अलीगढ़ के सब वहाँ पे रहते थे, बिहारी सब वहाँ पे साथ ही में रहते थे साथ में। अब लेकिन मैं जब से यहाँ पे बहराइच में आया तो 4 से 5 साल मुझे हो गए, 5 से 6 साल, तो मुझे क्या हो गई कि अवधी में मैं एकदम से लिप्त हो गया, अब मुझे अवधी अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। अब मैं लखनऊ में चला गया तो लखनऊ में वहाँ पे सीतापुर के लड़के, ठीक है, इस प्रकार से कई तरीके से जो है लड़के आने लगे, तो वहाँ पर जो है फिर कनेक्शन जो है वो बिहार बिहार का या फिर इस तरीके से जो है, तो क्या होता है क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जाने पर आपको जो है वो बोलियों में अंतर होता है। तो इस प्रकार से फिर मैं बनारस में चला गया, तो बनारस में क्या हुआ, बनारस का मुझे टच मिला, तो बेसिकली अब मुझे क्या हो गया है कि मैं कुछ चीज़ें जो है सेम रखूँगा, कुछ चीज़ें पैटर्न सेम रखूँगा, हालांकि मैं अवधि अच्छी तरीके से बोल लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं 5-6 साल से ही रह रहा हूँ और जो बचपन से यहाँ पे रह रहा है, मेरी भाषाओं में उनकी भाषाओं में बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे कई तरीके से हम अपनी भाषाओं को जो है अपनी भाषाओं को क्या करते हैं कि अपनी भाषाओं उनकी अवधि में भी अपनी भाषा को जो है उसी में लिप्त कर देते हैं, उसी में मिला देते हैं, तो मिला के बोलते हैं कई जगह पे। तो इस तमाम प्रकार की जो है कुछ चीज़ों में वो नई जगह अपना लेते हैं और कुछ चीज़ों में पुरानी ढर्रों पर ही चलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए व पुराने का मिश्रण रहता है और उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति क्या होती है उभरती है, जिस प्रकार से मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। तो मैंने एग्जाम्पल थोड़ा लंबा दिया क्योंकि ये समझने योग्य बातें थी इस वजह से, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए अगर समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने पर बड़ा फर्क है।
न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होता है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। आइए भारत के दो भागों में बात करते हैं, जैसे लद्दाख और केरल। ठीक है, बताया गया है कि जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली को कहीं अधिकतर प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे भारत के दो क्षेत्र यहाँ पर लिया गया, एक लद्दाख और दूसरा क्या है, केरल। उदाहरण के जरिए यह समझने का कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, यानी जो वो क्षेत्र है उसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लद्दाख है और दूसरा जो है वो केरला है। ठीक है, तो इसमें क्षेत्र में हम देखिए बात करें तो क्या हो जाएगा, लद्दाख की बात करते हैं। देखिए, अब लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में, ठीक है, इस साइड में जो है पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। तो आपको पता भी होगा क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका वर्ष भर काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे खेती बहुत कम होती है। अब इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि पानी नहीं होता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, और पीने के पानी के लिए लोग जो है वो गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो पीने का पानी है वो इनकी निर्भरता किस पे है, जो बर्फ़ जब पिघलेगा तो उसी पर इनकी निर्भरता रहती है गर्मी के समय में। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक बकरी का पालन होता है जिसे एक खास तरह की ऊन मिलता है जिसे हम पश्मीना कहते हैं, उसके लिए फेमस भी है। ठीक है, दूसरी बात, यह ऊन जो है वो कीमती है, इसलिए पश्मीना जो है साल बड़ी महंगी होती है। तो पश्मीना साल आपने नाम सुना होगा, तो ये इन्हीं बकरियों के जो है बालों से बनाया जाता है और ये बहुत काफ़ी महंगी मिलती है। ठीक है, लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो लद्दाख के लोग, जो कि आपको पता होगा कि लद्दाख और कश्मीर अलग अलग हैं, ठीक है, दो राज्य अभी अभी तो दो यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। तो बेसिकली बताया गया है कि जो लद्दाख के लोग होते हैं वो ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और कश्मीर में क्या होता है, इसका शोधन करके ये शालें बुनी जाती हैं। अब यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह की छेना होता है और मांस खाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो मांस जो है निर्भरता ज़्यादा रहती है, और दूध से बने पदार्थ मक्खन और चीज़ यहाँ पे खाते हैं, और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये रहने सहने का तरीका हमने देख लिया। पहली बात तो हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पे एक विशेष प्रकार की भेड़ पाई जाती है जिससे पश्मीना ऊन निकलता है उसके माध्यम से यहाँ पे पश्मीना शाल बनाई जाती है। ये लोग जो है कश्मीर के व्यापारियों को उसे बेच देते हैं। इसके माध्यम से हमने अगला देखा कि ये लोग जो है वो दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और मांस खाते हैं, निर्भरता रहती है, और कुछ यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे गाय, बकरी और याक को पालते हैं, पहली चीज़। अब पहला क्षेत्र हमने देख लिया, अब वहीं दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा क्षेत्र है जो केरल है, केरल के बारे में आइए देख लेते हैं। तो केरल जो है वह भारत के दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, इसमें आपने देखा था यहाँ पे कोने पर था। तो केरल जो है आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, पानी है, जहाज़ है, ठीक है, किनारे किनारे बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, नारियल के लिए फेमस है। तो केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है पहली बार, और यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। आप लोग पता भी होगा कि जो अंग्रेज आए थे तो यहाँ से काफ़ी कुछ जो है मसाले लेके जाते थे, मसाले के लिए भारत हमारा फेमस था। तो केरल का यह क्षेत्र उसके लिए विशेष तौर पर आज भी फेमस है, उस टाइम पे भी फेमस था। ये फेमस क्यों था, यहाँ पे मसाले कहाँ क्यों क्यों उगाए जाते हैं, क्योंकि इसका भौगोलिक क्षेत्र अगर देखा जाए तो मसालों के लिए सुगम माना जाता है इस वजह से। ठीक है, तो इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं पहाड़ियों पर। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बना, और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी जो है वो भारत जो है व्यापारी के रूप में केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए, और भारत में ईसाई धर्म का लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो बेसिकली हमने इसके बारे में क्या जाना कि केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है, और एक तरफ से समुद्र से घिरा और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। हमने ये भी देखा कि इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, और इन मसालों के कारण यहाँ पर व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र है, क्योंकि मसाले जो है वो बिकते बहुत है, तो व्यापारी के लिए यहाँ पे आकर्षक का केंद्र है पहली बात।
ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अरबी एवं यहूदी जो है वो व्यापारी के रूप में आए थे। कौन कौन? अरबी एवं यहूदी। और ऐसा ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे, इसी की वजह से यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है। अगली चीज़ क्या है? आपने देखा होगा कि अरब से कई व्यापारी यहाँ कर आ पर बस गए, जो अरब के सभी व्यापारी थे तो यहाँ पर आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा है, और वास्को डिगामा जो कि 1498 ईस्वी में आया था, तो पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है। इस प्रकार से तो आपने का जो टाइगर श्रॉफ की जो फिल्म देखी थी वहाँ पे एक बागी, ठीक है, तो वो भी केरल में ही बनी थी, छमछम वाला गाना, ठीक है, श्रद्धा वाला, श्रद्धा कपूर का। जो इस प्रकार से देखिए आप वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि नाव का, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी अधिक है, तो यहाँ पे जो एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है कि कई लोग जो है एक नाव पे सवार होते हैं और एक नाव को वो खेते हैं, तो एक साथ जो है वो चलते हैं और जिनकी नाव सबसे आगे पहुँचती है वो विजयी होते हैं, तो यहाँ उनकी जो है ये परंपरा है। अगली चीज़ हम जान लेते हैं कि इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई जन धर्मों को जो है व्युत्पन्न हुआ। देखा ईसाई जो है आए, इसके बाद ये अरबी आए, यहूदी आए, तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे धर्म जो है आए थे। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म क्या है शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे, और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो चीन का जो टच है, जो चीन की जो परंपरा है यहाँ पे जाल की, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम बताया बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पे मछलियाँ जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे जो जाल मिलता है वो चीन के जाल से हूबहू मिलता है। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि हमने जो विविधता अपनाई है वो चीन के माध्यम से भी हमने उसको भी कॉपी कर लिया है। ठीक है। बताने की कोशिश ये की गई है कि भारत की विविधता किस प्रकार से है। तो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के अधिकतर लोग जो है वो मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। मछली क्यों खाते हैं? क्योंकि यहाँ पर मछली जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, यहाँ पर समुद्र काफ़ी मात्रा में है, आपको मिल जाएंगे नदियाँ वदियाँ, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से निर्भरता जो है आप देख सकते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से जो है उसके रहन सहन पे, उसके खान पान पे किस प्रकार से डिपेंडेंट करती है, तो आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। आइए देखते हैं जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ रहा है, यहाँ पे चावल की खेती हो रही है, यहाँ पे फसल के लिए बहुत अच्छी जगह जमीन मानी जाती है, जबकि वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे फसल के लिए उपयुक्त जमीन नहीं मानी जाती है। दूसरी बात कि वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। ठीक है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों में प्रभावित किया है, और जहाँ केरल के भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा है। ठीक है। तो हालांकि ये भौगोलिक स्थिति से तो भिन्न तो है, लेकिन सांस्कृतिक जो है एकता है इसमें एक है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की जो सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। यानी किसी भी क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, जो भौगोलिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर जो सांस्कृतिक जीवन होता है, वो उसके इतिहास को विशेष तौर पर डिफाइन करता है, यानी निर्धारित करता है। इसी प्रकार से हमने देखा है कि विविध सांस्कृतिक का प्रभाव केरल जो है केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। ठीक है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि आप जो है किसी कि क्या बताया गया कि विविध जो संस्कृतियाँ होती है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, जबकि हमारा जीवन का आधार जो है वह एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हम क्या करते रहते हैं कि जीवन व्यापार करने के लिए, जीवन की या फिर अपना जीवन बसर करने के लिए एक स्थान से दूसरी जगह पलायन करते हैं, तो हमारी संस्कृति बदलती रहती है, हमारे रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, या फिर रहन सहन, या फिर ओवरऑल कहा जाए जीवन शैली जो है वो बदलती रहती है। तो हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का जो तरीका होता है वो धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार से
इसीलिए हमें कहा गया है कि डाइवर्सिटी आवर स्ट्रेंथ, मतलब विविधता हमारी क्या है, शक्ति है, विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। तो भारत की विविधता या अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे कि जो विविधता है हमारे भारत में, वही सबसे बड़ी हमारी भारत की ताकत है। ठीक है, जो कि एक बंधन में बांधे हुए है सभी भारत के राज्यों को। जब अंग्रेज का भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। आपको पता होगा कि भारत का जो है, जब गांधी जी चले चले थे असहयोग आंदोलन के, तो उनके पीछे पूरा का पूरा भारत जो है वो लग लिया था। अब लोग इमेजिन कर सकते हैं कि विविधता थी, एकता, एकता विविधता में भी एकता की पहचान उन्होंने वहाँ पर कायम की। किस प्रकार से हम जातियों में विभाजित थे, किस प्रकार हमारी भाषाएं विभिन्न थी, किस प्रकार से हम रहन सहन जीवन शैली हमारी विविधता थी, लेकिन जब अपने देश की बात आई, लेकिन जब अपने देश की आन बान और शान की बात आई, तो विविधता में हमने एकता का स्वरूप वहाँ पे उस समय पर प्रकट किया था। तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि हमारे भारत में सच में विविधता की एकता जो कि पहचान है हमारी, वो हूबहू इसको दर्शाती है। तो जब अंग्रेजों ने भारत पर विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र, महिलाओं को पुरुषों ने क्या कर दिया था, उसके विरुद्ध जो है आक्रोश के खिलाफ जो है मिलकर खड़े हुए थे, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों से लोग शामिल थे, और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। वे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं विरोध किस प्रकार से किया था। कई लोगों ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने अंग्रेजों को यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, बच्चों ने उनके स्कूल में जाना छोड़ दिया था। इसके बाद महिलाओं ने उसका विरोध किया था, तमाम प्रकार के जो है विरोधियों ने यहाँ पे किया था। ठीक है, तब जाके कहीं हमारा भारत जो है 1947 में जाके आज़ाद हुआ। ठीक है, इतनी आसानी से आज़ादी हमको नहीं मिली। इस प्रकार से देख सकते हैं कि विविधता की जो एकता है, वो कितने प्यारे माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि वी आर वन। ठीक है, हम एक हैं, हम एक हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, ओम जो है हिंदू का प्रतीक है, क्रिश्चियन का ये है, मुस्लिम का प्रतीक है, लेकिन इन सभी को क्या कर दिया गया है, एक जोड़ करके इनको एक माना गया है। तो अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो कि फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाता था, कि एक राजाओं को दूसरे राजा से लड़ाता था, तो उनको लगता था कि भारत में विविधता है, तो वे जाति, धर्म और नस्ल एवं इसी प्रकार से जो है आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और हमारा राज चलता रहेगा। लेकिन जब एकता की बात आई, जब देश की बात आई, तो हम सभी एक बंधन में बंध गए, जिसकी वजह से हमारा भारत आज़ाद हुआ। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इससे विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है, हमारा एक जो अध्याय समाप्त होता है, पहला अध्याय जो हमारा वो समाप्त होता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय जो है, दूसरा अध्याय को हम देखेंगे। तो दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा है, दूसरा अध्याय हमारा जो है वो है विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, विविधता एवं भेदभाव क्या है, उससे संबंधित हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं विविधता एवं भेदभाव क्या है, उसको भी हम टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए, हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। ठीक है, संसार में जो है वो 8 मुख्य धर्म हैं, और भारत में उन 8ों धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। आपको पता होगा कि भारत में बताया गया है, संसार में कुल मुख्य रूप से अगर देखा जाए, मुख्य रूप से तो 8 धर्म हैं, और सबसे विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 8ों धर्म के अनुयायी जो है, वो जो मानने वाले हैं, वो भारत में ही हैं। ठीक है, तो भारत में ही जन्मे हुए थे। तो बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है, कि सभी धर्मों का जन्मदाता, या फिर सभी धर्मों के जो कई धर्मों, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, तो ये हमारे भारत से ही निकला, इसके बाद चीन, चाइना, इसके बाद होते हुए पूरे यूरोपीय देशों में ये पूरी तरह से छा गया। अब हमारा भारत जो है उसकी तरफ खिंचाव बंद हो गया है, लेकिन बाहरी देश जो है वो अपना रहे। तो सबसे गंदी चीज़ यहाँ पर हमें ये चीज़ें लगी है कि हमने हमने अपने पूर्वजों के जो धर्मों को जो है वो भूलते जा रहे हैं,
हम अपने पूर्वजों के जो ईमान था, जो अपने पूर्वज के जो अभिमान था, स्वाभिमान था, जो अपने पूर्वज जो यहाँ पे धर्म थे, हम उस चीज़ को भूलते हुए वेस्टर्न कंट्री की यानी पश्चिमी विचारधारा को हम यहाँ पे अपनाने रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, पहनावा हो गया, ओढ़ावा हो गया, विचार हो गए, या फिर किसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हमारी विविधता जो है वो साफ साफ झलकती है कि हम अपने धर्म के बारे में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि आप लोग सिर्फ किताबी रूप से आप लोग पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी डिमांड ऐसा नहीं करता, यूपीएससी ऐसा बिल्कुल स्टूडेंट नहीं चाहता जो किताबी का कीड़ा हो। ठीक है, वो चाहता है कि आप किताबों को किताब के ज्ञान के साथ साथ में उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ में किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से समझते हैं और उसको किस प्रकार से उसको जोड़ते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो यूपीएससी ये चीज़ें देखता है। जब आप एक ही परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है। इस वजह से मैं एडवाइस बार बार देता हूं कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि यूपीएससी किस प्रकार से जो पैटर्न है वो पूछा गया है। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो भारत की विविधता है वो अब झलकती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न को यहां पे हम अपना रहे हैं, मतलब पश्चिमी विचारधारा को अपना रहे हैं, और जबकि हमारी खुद की विचारधारा वो कहीं लुप्त होती जा रही है। आप लोग देखते होंगे कि जो अंग्रेज होते हैं अधिकतर, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोग, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो इस विचारधारा को छोड़ रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं और वो लोग हमारी कल्चर को अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सभी धर्म हैं उन्हीं का जो जन्मदाता है वो भारत ही है, लेकिन विशेष तौर पर हमारी आज की खुद संस्कृति जो है वो खतरे में है। मैं ऐसा चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के जो आप लोग कॉमेडियन देखेंगे, ठीक है, तो अब भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके प्राचीन सभ्यताओं पर किस प्रकार से कटाक्ष करते हैं, और उनको इस प्रकार से करते हुए कोई भी शर्म नहीं आती। ठीक है, शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है भारतीय संस्कृति पर कटाक्ष करते हुए। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कॉमेडियन है, कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बोल सकते हैं, अमीर लोगों को हंसाना है, ठीक है, वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं, तो वो चीज़ें देखिए एक विचारधारा होती है। अगर आप वेस्टर्न यानी पश्चिमी विचारधारा को साथ में लेके चल रहे हैं और अपनी विचारधारा को भी अपने साथ में संजोए हुए हैं तो ये अच्छी बातें हैं, लेकिन आप अपनी विचारधारा को त्याग रहे हैं जो कि भारत जो है वो धर्मगुरु कहलाता था कहीं किस ज़माने में। ठीक है, हम वही चीज़ें समझते हैं, भारत धर्मगुरु कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया थी, बस वही चीज़ें रटे जा रहे हैं और अपनी खुद की कल्चर को भूले जा रहे हैं। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो खैर वो बाहरी टॉपिक था तो हम थोड़ा सा ज़्यादा इमोशन हो गए, उसको एक बार आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं जो है बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषा है। 1600 से ज़्यादा भाषाएं, आप समझ सकते हैं कि 28 राज्य में 1600 से ज़्यादा भी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। दूसरी बात कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, आपने नृत्य के बारे में अनेक तरह की चीज़ें जो है देखी होंगी। अब देखते हैं कि यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जब जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें बहुत ही अजीब और अपरिचित लगता है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि हमसे वो अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं, जैसे तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब हम क्या होता है, बचपन में भी हमारे साथ होता था, जब हम अपने तरीके से दोस्ती हमारी किससे होती थी, जिससे हमारे विचार बनते थे, जिससे हमें बात करना अच्छा लगता था, जिससे हमारी विचारधाराएं मिलती थी, जो हम चीज़ें चाहते थे वो सामने वाले भी क्वालिटीज़ उसी के अंदर होती थी, तो बेसिकली हमारे वहाँ पे दोस्ती हो जाती थी। दोस्ती वहाँ पे नहीं होती जहाँ पे आपके विचार का कटाक्ष हो, यानी आपके विचार कुछ और हो और सामने वाले व्यक्ति का विचार कुछ और हो, तो वहाँ पे दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये विचारधाराएं, कई बार ये विविधताएं भी लोगों को अनेक तरह के परिप्रेक्ष्य में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्या उसका दिमाग सही है। देखिए अब क्या हो गया कि यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि मेरी टांग डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये जो बच्चा है यहाँ पे ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, तो लोगों को क्या लगता है कि लोगों ने विचारधाराएं इसके बारे में बना ली है कि ये जो है ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये इसके पैर नहीं है या फिर इसके हाथ नहीं है, तो ये कोई काम नहीं कर सकता। देख लीजिए आज के भी युग में अगर आप लोग देखेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है। ठीक है, डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी उन्होंने अपने विश्व में रिकॉर्ड कायम किए। तो यहाँ क्या होती है, विविधता कई बार हमें सोचने पर मजबूर भी कर देती है। पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना पूर्वाग्रह आपका बना है कि बहुए जो है वो साड़ी का जो पल्लू है वो मुँह ढक के जाएँ, तो ये पूर्वाग्रह है। ठीक है, जो पुरानी विचारधाराएं अगर हम एक तरह से कहें
तो उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए कि आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए और ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। आइए देख लेते हैं पूर्वाग्रह कौन कौन से हैं। देखिए आधे से ज़्यादा भारतीय जो है वो गांवों में रहते हैं। ठीक है, अब गांवों के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटा काम करते हैं और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने के बाध्य को बाध्य होते हैं। ठीक है, अब पूर्वाग्रह क्या बना है एक सेकेंड, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए शहरी लोग, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं और शहरी लोग कैसे केवल पैसे की चिंता करते हैं लोगों की नहीं, और शहरों में रहना बहुत महंगा होता है। अब देखिए पूर्वाग्रह, जब हम एक किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पैटर्न बनता है वो इस प्रकार का बनता है कि कुछ लोग जो हैं वो हल जोत रहे हैं, दो बर्धे लिए हुए हैं और वो खेत की जुताई कर रहे हैं, खेत कर रहे हैं। लेकिन जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है वो किसान जो है, आज के किसान जो है वो प्रौद्योगिकी का यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने खेती में भी, खेती बाड़ी में भी कर रहे हैं। वो इस प्रकार का ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आज के जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी जागरूक हो चुकी है, जागृत हो चुकी है तो समझती है कि किस प्रकार से खेती की जाएगी या किस प्रकार से फसल की पैदावार अच्छी की जा सकती है। तो तमाम प्रकार के देखिए इस प्रकार से डिस्कशन भी करते हैं। तो आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है ये है, जबकि पूर्वाग्रह हमने क्या बनाया है, किसान ऐसे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या सोचते हैं, कई बार हम क्या सोचते हैं कि शहरी लोग का जीवन बड़ा आसान होता है, जबकि ये गलत पूर्वाग्रह है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि शहरों में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इंसान होते हैं। दूसरी बात कि बिगड़े और आलसी होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम शहरी लोगों को सोचते हैं, कहते हैं ना कि शहरी लोग हैं ये तो बिगड़े हुए हैं, तो उस प्रकार के पूर्वाग्रह हम अपने आप में बना लेते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं लोगों की नहीं, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। हालांकि कुछ पूर्वाग्रह सही होते हैं, कुछ पूर्वाग्रह आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ कथन जो है ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम अपने किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जैसे हमने कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई व्यक्ति आया और आपने उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह बना लिया, या तो दुष्ट इंसान है या तो ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो कई बार क्या होता है कि उसके विपरीत वो व्यक्ति निकलता है। तो पूर्वाग्रह हमने बना लिया, जैसे हमने क्या, हमें क्या लगता है कि देखिए हम क्या सोचते हैं कि ग्रामीण के लोग जो है बहुत ही दुखाली जीवन बिताते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि वो बैलों से, जबकि आज के युग में देखा जाए तो किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामीण के लोग कितने खुशी हैं। ठीक है, परिवार जो संयुक्त परिवार है, जबकि आप लोग अगर देखेंगे तो शहर का एक शहर का ये झलक ये भी है। ठीक है, कि जो सड़कों पर सोते हैं, ठीक है, जिनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, अब ये देख सकते हैं आप, ये फोटो जो है बहुत ही मार्मिकता प्रस्तुत कर रही है। आप लोग शहर में जाएंगे तो ये तमाम प्रकार की तस्वीरें आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, अपनी लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से जो है वो शहरों के किनारे, सड़कों के किनारे किस प्रकार से व्यक्ति पड़े रहते हैं। वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं इस प्रकार से, हालांकि अधिकतर ये झुग्गी झोपड़ियाँ होती है। आप लोग कभी जाएंगे मुंबई तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, ठाणे से होते हुए, कल्याण से होते हुए, वसई, तो यहाँ तमाम प्रकार के झुग्गी झोपड़ियाँ जो है वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आप लोगों का एक परिप्रेक्ष्य, आप दिल्ली में भी जाइए, ठीक है, दिल्ली में जाइए तो वहाँ पर भी हमने क्या परिप्रेक्ष्य बना लिया कि शहरी लोग हैं तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुई, जबकि उसके परिप्रेक्ष्य में जो है उल्टा होता है। तो ये हमने पूर्वाग्रह बनाया है जो कि हमारे पूर्वाग्रह को गलत सिद्ध करता है। देखिए जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे और परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं दे पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हमारे दिमाग में ये पूर्वाग्रह बन जाता है कि हम सोचने लगते हैं कि जो अंग्रेजी बोलता है उसकी जो है मेंटल एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, वो काफ़ी पढ़ने में तेज़ होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई अंग्रेजी बोल लेता है, मान लीजिए कोई अंग्रेज है तो वो अंग्रेजी बोलेगा क्योंकि उसकी मातृभाषा है, या फिर कोई किसी ने अंग्रेजी सीख ली, ज़रूरी नहीं है कि वो टैलेंटेड ही हो सकता है कि कोई एक हिंदी बोलता है जिसे अंग्रेजी ना आती हो लेकिन वो प्रकांड विद्वान हो। तो इस प्रकार से आपने पूर्वाग्रह बना लिया, जो कि हम क्या होता है कि कई बार जब पूर्वाग्रह बना लेते हैं तो हम एक प्रकार से
एक दृष्टिकोण लेकर हम चलते हैं, किसी एक व्यक्ति को एक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि दूसरा परिप्रेक्ष्य हमारा देखना यहाँ पे बंद हो जाता है, इस वजह से हम उसको नकारात्मक दृष्टि बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रहित हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वो आते हैं और जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं। जैसे क्या होता है कि हम कई बार हम क्या सोचते हैं कि बिहारी, ठीक है, बिहारी शब्द सुनते ही हमारा क्या होता है कि हमारा हमारे मन में एक पूर्वाग्रह बन जाता है कि वो किसान होते हैं, ठीक है, किसान होते हैं, और उनके बोलने का तरीका, रहने का तरीका गड़बड़ होता है, इस प्रकार से हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत है। ठीक है, जितना बिहारी आईएएस निकलते हैं उतना कहीं नहीं निकलते, ठीक है, जितना बिहारी टैलेंटेड होते हैं उतना कहीं नहीं होते, जितना बिहारी मस्त होते हैं उतना कहीं नहीं मस्त होते, जितना बिहारी भारत को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, जितना बिहारी रिप्रेजेंट करते हैं उतना कहीं नहीं होते, जितने किसान अच्छे बिहार में होते हैं उतना कहीं नहीं होते। तो तमाम प्रकार के पूर्वाग्रह हमने यहाँ पे दिमाग में बना लिया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं कि लड़के और लड़की में भेदभाव, ये भी एक पूर्वाग्रह है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जुड़ा जाता है। जैसे ठीक है, जब आप बचपन में रोते थे, आप लड़के थे, तो आप लोगों को घर में वाले क्या कहते थे कि लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, ठीक है, तो एक पूर्वाग्रह है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं और रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं, ठीक है, ये पूर्वाग्रह बन जाता है कि हम रोते नहीं, लड़के जो है वो रोते नहीं है। रूढ़िबद्ध धाराएं अगर हम देख लेते हैं, तो रूढ़िबद्ध धाराएं हमें दूसरों को मनुष्य की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार से एक खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें गलत साबित हुई। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है, और कई बार ये धारणाएँ हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। जैसे कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। ये रूढ़िबद्ध धाराएं हैं, ठीक है, जो पुरानी विचारधाराएं चली आ रही है, जबकि जो वास्तविकता है वो कुछ और ही है। जबकि अध्ययन, जब एनसीएफ आया, नेशनल एनसीएफ 2005 आया था, एनईपी 2005 आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आया था 2005, तो उसके अध्ययन के माध्यम से ये पता लगाया गया था कि जब अध्ययन में जब यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं नहीं है, ठीक है, ये गरीबी इसका मुख्य कारण है कि गरीबी की वजह से वे लड़कियां को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहां पर गरीबी तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएँ क्या थी, हम लोग मानते थे, रूढ़िबद्ध हमारी धारणा ये थी कि मुसलमान जो है वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, जब हमने अध्ययन किया तो ये पाया कि गरीबी इसका एक मुख्य कारण है। पहली बात कि गरीबी इसका एक मुख्य कारण है, दूसरी बात कि वो स्कूलों से जो है दूरी हुए वो काफ़ी दूर होती है, स्कूल और उनके घर के बीच का जो रास्ता होता है वो काफ़ी दूर होता है, तो इस वजह से भी लड़कियों को जल्दी निकाल लेते हैं। जब हमने इस चीज़ समस्याओं को दूर किया, तो हमने देखा कि लड़कियों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ, यानी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, इस वजह से हमने ये चीज़ें पाया, अनुमान लगाया, ठीक है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएँ थी। अब असमानता का भेदभाव, असमानता में भेदभाव को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल में प्रायः घर के पास होते हैं, जो स्कूल होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, घर के पास होते हैं, और सरकारी बस की सुविधा जो है बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने में मदद मिलती है। अब इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनसे मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल है। बेसिकली हमने क्या देखा है कि दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जाति के लोग हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों के स्कूल गैर हाजिरी के कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। बेसिकली बताया गया है कि आप लोग जानते भी होंगे कि केरल में सबसे अच्छा साक्षरता दर है, ठीक है, वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी जो है, जेंडर जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। बेसिकली सबसे ख़राब जो है हरियाणा में है, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे जो एजुकेशन का जो रेशियो है काफ़ी अच्छा क्यों है, ठीक है, वहाँ पे क्यों है रेशियो अच्छा है। तो बेसिकली वहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो स्कूल है, पहली बात तो वो घर के पास है, इस वजह से लड़कियाँ जो बच्चे होते हैं वो स्कूल पढ़ने जाती हैं,
दूसरी बात क्या है कि टीचर्स को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है वहाँ पे, बस की सुविधाएं हैं, ठीक है, उसके माध्यम से बच्चे आते हैं, उसके माध्यम से टीचर्स आते हैं, तो पढ़ाई का लेवल अच्छा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है एजुकेशन की जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। अब रूढ़िबद्ध धारणा हमने क्या बना ली थी कि केरल के लोग तेज़ होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को जब परिप्रेक्ष्य में आप लेंगे, किसी भी चीज़ को जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ढालेंगे तो वो उसी के परिप्रेक्ष्य में ढल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है जो मुसलमान लड़कियाँ हैं उनका जो पीछे यानी ना पढ़ने का जो कारण है वो धर्म नहीं बल्कि गरीबी है, इस वजह से आपको ये चीज़ें समझना है। अब देखते हैं, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी से करने से रोकते हैं, या फिर किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, तो एक ही कुएं के हैंडपंप में पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि एक लड़का है, मान लीजिए ये लड़की है, इसके पिता जो है वो ठेला चलाते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये आम बच्चे जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लिया है कि अरे इससे मत बात करो, इसके पापा तो फल बेचते हैं, ठीक है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं आ गई। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हमने क्या कर दिया, उसको व्यवहार में ला दिया, और उस व्यवहार भी उसी रूढ़िबद्ध धारणाओं के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कई बार हम रूढ़िबद्ध धारणाएं, जैसे अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं, जिसे हम जो बंजारे होते हैं, उन्हें हम कई बार क्या होते हैं कि नलों से पानी नहीं भरने देते। कई बार होता ऐसे, हमारे गांव में भी होता था, ठीक है, कई बार कई जगह हमने देखा था ये असमानता होती थी, तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं थी। या फिर कई बार हमें क्या होता है कि हम अपने कप में, ठीक है, मान लीजिए कोई उच्च जाति का जो व्यक्ति है, जाति यहाँ पे हालांकि डिवाइड किया गया हमारे समाज में, तो क्या होता है कि वो एक निचली जाति के लोगों को अपने कप में चाय देने को चाय नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उसमें अपनी हीनता समझता है, वो रूढ़िबद्ध धारणाएं उसमें बन गई है। तो इस प्रकार की जो है, अब देखिए आइए हम समझते हैं कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन मांजना, मछली पकड़ना, बढ़ई गिरी, खेती बुनाई इत्यादि, लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है, और इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है, और यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। और जाति व्यवस्था में इन लोगों के समूहों को सीढ़ी के तले पर रखा गया अछूत एवं अयोग्य कहा जाता है। देखिए काम की जो है यहाँ पे महत्व नहीं दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे काम जो है सभी करते हैं, ठीक है, काम जो है वो सभी करते हैं, लेकिन कुछ कामों को यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कुछ कामों को यहाँ पे अवहेलना की जाती है, उनकी निंदा की जाती है। जैसे आप देखेंगे आपके समाज में ही या फिर आपके आसपास ही जो कचरा धोते हैं या फिर साफ़ सफाई का काम करते हैं उनके कामों को हम महत्व नहीं देते, उन्हें हम अछूत मानते हैं, उन्हें हम छूने उनके आसपास भी भटकने से डरते हैं। जबकि वहीं दूसरा कोई काम करता है, मान लीजिए कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई पढ़ाई का काम कर रहा है, कोई टीचर्स है, तो उनसे एक अलग प्रकार का प्रीति होती है, जबकि काम वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, ठीक है, अपने कार्य का निर्वहन दूसरा भी व्यक्ति कर रहा है, पहला व्यक्ति भी कर रहा है, लेकिन इतना हम जो है इसमें समाज में हमारी रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उसको हम किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं इनमें भेदभाव किस प्रकार से पहले ज़माने में किया जाता था, तो जो उच्च जाति के व्यक्ति होते थे उनको सामने टीचर बैठा कर पढ़ाता था, जबकि ये जो निचली जाति के होते थे या तो इन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था या इन्हें एकदम बिल्कुल पीछे कर दिया जाता था, जो ब्लैक ब्लैक हैं, ठीक है, इनको दर्शाया गया है कि ये असमानता यानी भेदभाव का शिकार हुए हैं। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, इनको दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। जैसे आप यदि शूद्र हैं तो आपको सिर्फ जो है कूड़ा साफ़ करना, कचरा साफ़ करना, किसानी करना, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, यानी आप पंडिताना करना चाहें या फिर आप किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, उससे बाहर जाति के बाहर जाकर आप कार्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी, उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहां तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी, ठीक है। सबरीमाला का जो अभी तक आप लोग देख भी रहे थे कि इस प्रकार से महिलाओं को बाधित कर दिया गया था, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक भी हमारे गांव में ये रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है चली आ रही है, आपके आसपास भी चली आ रही होंगी, उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ में स्कूल में नहीं बैठ सकते थे, तो ये तमाम प्रकार की जो है रूढ़िबद्ध धारणाएँ थी। देखिए ये जो है एक व्यक्ति है जो कि शिविर में से पर जो है कचरा को साफ कर रहा है, तो अब इसके पास में हम जाने से, देखिए कल्पना करके देखिए, अगर आप लोग आपसे दूर दूर रहें तो आपको छूने से मना करे और आपको पानी न पीने दे तो आपको कैसा लगेगा। देखिए ये व्यक्ति शिविर को साफ कर रहा है,
ये व्यक्ति भी समाज का एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, ठीक है। ये सफाई कर रहा है लेकिन एक अछूते के रूप में, ठीक है, हम इसको देखते हैं, इसकी अवहेलना करते हैं, इसके पास से भी इसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं, इसको ना ही पानी अपने अपने नल से नलकूपों से पानी भी नहीं भरने देते। अब इसकी कमी, अगर यहीं पे ये व्यक्ति जो है समाज का हर एक पहलू एक अभिन्न अंग है, ठीक है, अगर समाज का एक भी पहलू छूट गया तो समाज पीछे रह जाएगा या फिर समाज उसके बिना नहीं रह सकता। तो इतना काम करने के बावजूद भी इस प्रकार से जो घृणा हमारे समाज में है ये पूर्वाग्रह को दर्शाती है, ठीक है। केस स्टडी देख लेते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि महत्वपूर्ण स्थान है हमारे महान व्यक्तियों में भी, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि 1851 में पैदा हुए थे, 1956 में इनका देहावसान हो गया था, को भारतीय संविधान के पिता के एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। अब महार लोग गरीब होते थे और उनके पास जमीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे और उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और वे गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से इन्होंने असमानता को झेला होगा, किस प्रकार से समाज की बुराइयों, किस प्रकार से समाज की कुरीतियों के झेलते हुए भी इन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के साथ साथ में ये वकील भी बने इंग्लैंड से जाके पढ़ाई करने के बाद। तो क्या हुआ था, इनके बारे में बताया गया है कि ये सबसे बड़े नेता के रूप में, पहली बात तो ये संविधान के पिता, और दूसरी बात दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब दूसरी बात हमने क्या देखा, इनका जन्म जो है वो महार जाति में हुआ था जो उस समय जो अछूत मानी जाती थी, ठीक है। महार लोग गरीब होते थे और उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चे वही काम करना पड़ता था जो वह खुद करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। ये अपने जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बने थे और इंग्लैंड गए थे, ठीक है। अब उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए, और दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की, क्योंकि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को केवल गतिविधियों से वंचित रखता है बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। देखिए आप अगर मीन्स के प्रॉस्पेक्टिव से देखें तो ये आप जो है अपने आंसर में भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं किस प्रकार से, देखिए कि उनका जो मानना था कि दलितों की जो जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ठीक है, और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो न कि कुछ लोगों की, क्योंकि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कोई कई गतिविधियों से वंचित रखता है बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अब समानता के लिए संघर्ष हम देख लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। देखिए सबके लिए स्वतंत्रता का जो परिप्रेक्ष्य था, जो सबके लिए स्वतंत्रता का जो अहमियत थी वो अलग अलग थी। जैसे व्यापारी लोग क्या चाहते थे, व्यापारी लोग स्वतंत्रता इसलिए चाहते थे क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके रूप में उनसे कोई टैक्स लागू किया जाए और उन पर कोई अंग्रेज जो है वो किसी प्रकार का, या फिर कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी बाहरी व्यक्ति उन पर किसी भी प्रकार का जो है काम को अपने थोपे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो निर्जाति, अगर औरतों के रूप में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वे चाहती थी जो पुरानी रूढ़िवादिता थी वो उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, और उसी के साथ साथ में जो किसान थे वो कर से छुटकारा चाहते थे, उनके लिए वही स्वतंत्रता थी, ठीक है। इसी प्रकार से अनेक व्यक्तियों के लिए अनेक अनेक जो है यहाँ पे स्वतंत्रता का मान दर्शाया गया था। अब बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, उनके लिए सबसे बड़ी बात वही थी, ठीक है, क्योंकि दलित जो थे वो समानता के असमानता के शिकार थे, ठीक है। तो असमानता जो समाज में विद्यमान थी वो दलितों के लिए थी, तो वो समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता का परिपेक्ष उनके लिए वही था। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले, और किसानों और दलितों ने अपने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो ये अनेक व्यक्तियों के लिए अनेक अनेक संघर्ष जो है स्वतंत्रता का मतलब है। जैसे किसान के लिए क्या है,
उसको ब्याज की दर से छुटकारा पाना ही उसकी स्वतंत्रता है उसके लिए। महिलाओं के लिए क्या है कि शिक्षा में समान भागीदारी है उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ है। और दलितों के लिए क्या है, समानता पाना है, मंदिर में प्रवेश पाना ही उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब है। इस प्रकार से स्वतंत्रता का परिपेक्ष कई मतलबों में हम देख सकते हैं। अब देख सकते हैं 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और उन लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। अब कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत के सभी लोग जो है वो बराबर माना जाए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानून रूप से खत्म कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 17 में है, जो है अनुच्छेद को छुआछूत के प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता भी होगा। और इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, जो भारत के संविधान की उद्देशिका है कि ये संविधान की कुंजी कही जाती है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें तमाम प्रकार की जो संविधान में जो सन्निहित जो विचारधाराएं हैं उससे संबंधित आपको विचारधाराएं मिल जाएंगी। जैसे इसमें क्या है, देखिए मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब क्लास 8 में था मैं मुझे तभी याद हो गया था, तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप भी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो समानता, ठीक है, जैसे समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो तमाम प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके मेन्स आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाएंगे, खासकर GS पेपर 2 में। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे भारत की उद्देशिका है। ठीक है, इसको आपको रट लेना है। देखिए, संविधान के लेखकों ने यह महसूस किया कि जब लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर संविधान में प्रावधान भी किया था, जो कि 14 से 18 तक, जो कि समानता का अधिकार है, आपको वहाँ पे दिख भी जाएगा कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि किसी भी प्रकार से जाति, धर्म या लिंग के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस प्रकार से तमाम प्रकार के। और उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें किसी भी धर्म को विशेष तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आपने कक्षा 5 में कक्षा 8 में जब आप रहे होंगे सरकारी स्कूलों में, तो उसमें क्या होता था, उसमें जो टीचर होते थे वो किसी भी होली या फिर दिवाली को नहीं मनाते थे, क्योंकि सरकार जो है, हमारी भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यहाँ पे है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा जो है देश है, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी विशेष धर्म को यहाँ पे तवज्जो, यानी यहाँ पे किसी भी विशेष धर्म को महत्वपूर्णता नहीं दी जाएगी, सभी धर्म को सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, यानी सभी धर्म जो है भारत के लिए वो समान है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं और लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियाँ सभी लोगों के लिए खुली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है धर्मनिरपेक्ष परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो। धर्मनिरपेक्षता को हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। पहली बात तो क्या है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ठीक है, समानता को एक अमूल्य अमूल्य मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं, और लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है, और नौकरियाँ सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। तो आपने दूसरा अध्याय भी यहाँ पे समाप्त कर लिया है, अब हम देखेंगे तीसरा अध्याय।
तीसरा अध्याय हमारा जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। अब इससे संबंधित जो है सरकार क्या है, सरकार से संबंधित हम यहाँ पे विचारधारा को पढ़ेंगे। सरकार क्या है, सरकार के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरा अध्याय हमारा आ गया है। देखिए आप लोग देखते होंगे सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो अखबार होते हैं उनके हेडलाइंस को देखते होंगे कि प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम किए तय, और बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन में पक्ष में है सरकार। तो ये क्या होता है सरकार, सरकार हर जगह हम क्यों देखते हैं, आइए देख लेते हैं सरकार है क्या। तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए। ठीक है, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, और उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। बेसिकली हमने क्या देखा कि हर एक देश की जो विभिन्न निर्णय लेने की जो एवं काम करने के लिए जो है वो सरकार जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, आप किसी भी निर्णय का निर्माण करेंगे, किसी भी नियमों को लागू करना है, तो सरकार इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है सरकार की हम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी बात हमने क्या देखी कि ये निर्णय जो होते हैं वो कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कों और स्कूल कहाँ बनाया जाए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अगर क्षेत्र में देखा जाए तो किसी मान लीजिए कोई दाल हो गई बहुत महंगी हो गई, या फिर कोई भी वस्तु हो गई किसी बहुत महंगी हो गई, या फिर हमारी इकोनॉमी में अगर GDP अगर घट रही है तो उसको बढ़ाना किस प्रकार से, सरकार का काम है। ठीक है, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे गरीबों के लिए जो है मदद के लिए जो है वो कई कार्यक्रम भी चलाती है, मिड डे मील, स्कॉलरशिप जैसे संबंधित तमाम प्रकार के। अब सरकार है क्या इसके बारे में और देख लेते हैं कि इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। ठीक है, अब सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ठीक है, सरकार का काम क्या है कि सीमाओं की सुरक्षा करना, जैसे भारत चीन हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, तो इन सीमाओं की सुरक्षा करना है, और दूसरे देशों के साथ जो है वो शांतिपूर्ण संबंधों को कायम रखना यानी बनाए रखना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के जो है सरकार के कार्य होते हैं। अब देखिए, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सरकार की जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो होती है विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो होती है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है, मतलब उसके कार्य को कार्यान्वित करती है, और न्यायपालिका जो देखती है कि जो कार्य किया जा रहा है वो संविधान की दृष्टि से न्याय संगत हैं अथवा नहीं, तो वो निर्णय देने का कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से सरकार के 3 अंग हमने देखे हैं। तो अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी क्या है सरकार का ही एक अंग है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को क्यों करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि सरकार इन सब कामों को क्यों करती है, और इतने ज़्यादा कार्य, इतने ब्रॉड कॉस्ट लेवल पर देखा जाए, मतलब इतने ब्रॉडली क्षेत्र पर अगर देखा जाए, तो सरकार कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर पाती है, मतलब इसको कैसे कार्यान्वित कर पाती है। ठीक है, हो सकता है सरकार जो है एक छोटा सा अंग है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सरकार। देखिए, जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। मतलब आप किसी भी कार्य को कार्यान्वित करना है, किसी विशेष प्रकार के किसी बड़े काम को अगर आपको करना है तो आपको एक समूह की ज़रूरत होगी। ठीक है, एक समूह की ज़रूरत होगी जो समूह के माध्यम से आप लोग उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, अब उस समूह में क्या होगा कि हम कई लोगों को एक विशेष क्षेत्र का दर्जा दे देंगे कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, कार्यों को जो है विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो कार्यों को हम बांट देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे कार्य करने में आसानी होगी। पहली बात, अब कुछ नियमों की ज़रूरत होती है तो सब पर कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए, संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। अब लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण है जो सरकार के अंग है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय सरकार का अंग है, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेत मंत्रालय, जैसे हो गया अगर गृह मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय,
तो ये क्या है, ये सरकार के सभी अंग है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा न्यायालय होता है अगर न्यायगत की दृष्टि से देखा जाए। जैसे क्या होता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, जो कि राज्य स्तर पर होता है, एक एक जिला न्यायालय होता है, ठीक है, जो कि आपके जिले के अंतर्गत आता है। तो इस तमाम प्रकार के न्यायालय जो हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भारतीय पेट्रोलियम, ठीक है, जो पेट्रोलियम संबंधित जो है वो उन उन सभी चीज़ों को देखता है। भारतीय रेल हो गया, ठीक है, ये जो है यात्राओं से संबंधित चीज़ों को देखता है। अब मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है, गृह मंत्रालय जो है भारत में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित जो है निर्णय ये गृह मंत्रालय का होगा। विदेश मंत्रालय क्या होगा? विदेश मंत्रालय क्या होगा कि जिससे संबंधित हो गए कोई देश हो गया, हमारे देश का संबंध जो है भारत देश का संबंध जो है अनेक विदेशों से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार के जो नियम लागू करने चाहिए, किस प्रकार की वार्ता होगी, तो ये विदेशियों के विदेश मंत्रालय। अब विदेश मंत्रालय के अंतर्गत भी कई पोस्ट आती हैं जिसके अंतर्गत ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, सरकार के स्तर की बात किया जाए तो अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि सरकार कई स्तरों पर जो है वो काम करती है। ठीक है, कौन कौन से काम करती है? पहला चीज़ हमने देखा कि स्थानीय स्तर पर, ठीक है, पहला स्थानीय स्तर पर, दूसरा क्या है राज्य स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर, और तीसरा क्या है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये तीन प्रकार के जो स्तर है वो भारत सरकार हमारी कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार को नियमों का इम्प्लीमेंटेशन करती है। देख लेते हैं उसको भी, हम देखते हैं, आइए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया। जैसे यूनियन, जैसे राष्ट्रीय जो है सरकार हो गई, फिर इसके बाद उसके नीचे क्या होती है राज्य सरकार हो गई, फिर क्या होती है लोकल बॉडीज़ होती है, यानी लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी स्थानीय सरकार होती है। अब स्थानीय सरकार के अंतर्गत दो चीज़ें होती है, एक पंचायत होती है, एक नगर पालिका होती है। पंचायत क्या होती है? जो ग्राम ग्राम जो, ठीक है, गाँवों के लिए होती है। नगर पालिका जो है वो शहरों के लिए होती है। तो पंचायत में जो होती है इसको भी तीन लेवल पर बांटा गया है, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी एक जिला पंचायत हो गया, दूसरा क्या है पंचायती राज व्यवस्था, जैसे पंचायत हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट पंचायत हो गया, माध्यमिक पंचायत जिसे हम कहते हैं, विलेत पंचायत जो कि सबसे निचला स्तर है, ग्राम सभा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो है इसमें हम क्या देखते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल देखते हैं और नगर पंचायत देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनसिपल, फिर काउंसिलिंग होता है और काउंसिल होता है, फिर तीसरे सबसे नीचे जो है वो नगर पंचायत होता है। इस प्रकार का जो हम एक एक करके उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, अब स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, आपके शहर या फिर मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, और जैसे हरियाणा या फिर असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार जो है वो संबंध पूरे देश से होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। अब सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून बनाने का बाध्य करे। ठीक है, तो अब सरकार के पास क्या होती है, ताकत होती है, सरकार के पास यह ताकत है कि वह कानून को जो है बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, लोगों को उसको मानने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कानून की गाड़ी चलाने के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। देखिए, सरकार ने क्या किया, पहले नियम बनाया, अगर आप लोग जो है गाड़ी चलाते तो आप हेलमेट लगा के चलिए, ठीक है, सीट बेल्ट लगा के चलिए। अगर आप इस नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सज़ा के भागीदारी है, सज़ा के हकदार हैं, पुलिस आपको पकड़ेगी और बाध्यकारी नियमों के रूप में आपको जेल में डाल देगी। ठीक है, या फिर चार्जेस जो होते हैं वो चार्जेस लगाएगी। इस प्रकार से अब सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि यह कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। मान लीजिए एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, ठीक है, अब उसकी कुछ भी रैंक आ गई और उसको किसी विशेष व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उसको जो है उसकी एंट्री नहीं मिली, ठीक है, उसको नौकरी नहीं दी जा रही थी। हो सकता है कि उसकी कोई जातीय दुश्मनी हो या फिर हो सकता है कि उस व्यक्ति से कोई उसको नहीं देना चाहता हो। तो क्या होगा कि वो व्यक्ति न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है इसके तहत। ठीक है,
अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो उसके अंतर्गत जब वो जाएगा तो पंचायत जो है उसके हिसाब से निर्णय देगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की कोशिश शक्ति कौन देता है। ठीक है, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि इस देश में कैसी सरकार है। ठीक है, अब सरकार कैसे किस प्रकार की होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। आइए, अब लोकतंत्रात्मक शासन हमारे देश में है। ठीक है, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार से यह शक्ति देते हैं, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। ठीक है, मतलब सरकार को जो यह शक्ति प्रदान की गई है, मतलब उसे कानून बनाने की, उसे इम्प्लीमेंट करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, यह उसे लोगों के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, अब सरकार लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन होता है उसे लोकतंत्र शासन कहते हैं। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो कहे थे आपको याद भी होगा, लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब लोकतंत्र में जो है लोग ही जो क्या क्या करते हैं कि सरकार के जो है निर्माण करते हैं, सरकार को बनाते हैं, और वही सरकार जो है वो कानूनों का निर्माण करके उसे इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, अब वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद अस्थायी रूप से वो सरकार रुकी रहती है, लेकिन ठीक है अस्थायी कहना यहाँ पे ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर ठीक है वो अलग की बात है, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको जानना है कि अस्थायी रूप से नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकता है कि उसके पार्टी जो है वो बहुमत में ना रहे तो उसे अपना त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों को आधार पर बताना होगा और सफाई देनी होगी। सबसे बड़ी बात है क्या है कि अहम भूमिका जो सरकार में निभाती है वो विपक्षी दल निभाती है। अगर आप कोई भी सरकार कोई भी गलत कार्य करती है तो उस पर तुरंत जो है टीका टिप्पणी जो कौन करेगी, वो विपक्षी दल के नेता करेंगे। इसके बाद आप जो है सरकार के नियमों का विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके नियमों के विरुद्ध भी जा सकते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं राजतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में तो हमने ये चीज़ें देख ली कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। राजतंत्र क्या होता है, जहाँ पर राजा का शासन होता है, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। ठीक है, अब राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और निर्णय लेने की अंतिम शक्ति राजा के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के उठाए गए कदमों का आधार नहीं बताना होता है और न ही सफाई देनी होती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि लोकतंत्र और राजतंत्र में सिर्फ एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य के रूप में अगर देखा जाए जो अंतर है, तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि राजतंत्र में जो निर्णय लिया गया है राजा के द्वारा, वो उसके परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय क्यों लिया है वो ये चीज़ें नहीं बताएगा। उसके परिप्रेक्ष्य में बेसिस किस आधार पर वो निर्णय लिया गया है उसको आधार भी नहीं बताएगा, और ना ही उसके बारे में सफाई देगा। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, लोकतंत्र सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसने किस आधार पर वह निर्णय लिया है और उसके सफाई में वो अपने वक्तव्यों को पेश करती है। अगर वह सफल होता है, सही होता है, तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नहीं तो उसका जनता के द्वारा विरोध किया जाएगा। जबकि आप राजतंत्र में विरोध नहीं कर सकते हैं, अगर विरोध करेंगे तो वो जो है आपको पकड़वा के जेल में डाल देगी। ठीक है, देखते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, भारत एक जो है वो लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास जो है अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र जो है वो लोगों का ही शासन होता है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों का ही शासन। अब क्या होता है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग जो है नियम बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इसको नोट कर लेना है कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को चुना, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो आपका प्रतिनिधि है। वो जाएगा संसद में और संसद में क्या करेगा, वो सरकार का निर्माण करेगा। वो आपके प्रतिनिधि के रूप में है, क्यों, क्योंकि आपने उसको चुना है और आपके क्षेत्र विशेष से संबंधित वो निर्णय जो है वो लेगा। ठीक है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, बेसिकली बताने की कोशिश की है, प्रतिनिधि मतलब हमसे जो आम जनता है वो डायरेक्टली नियम बनाने का कार्य नहीं करते हैं, यानी डायरेक्टली नियम नहीं बनाते हैं या फिर डायरेक्टली सरकार में भागीदारी नहीं करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी रहते हैं। मतलब कि वो अपना प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं जिनके माध्यम से वो प्रतिनिधि
उस गांव या फिर समाज की समस्याओं को संसद में उठाता है, जिससे आप लोग देख भी सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोकसभा के जो है दृश्य को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और आजकल तो कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। ठीक है, क्या बताया गया है कि आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ठीक है, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों में चुनाव चुनाव में भाग नहीं लेते थे। ठीक है, आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज के समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सार्वभौमिक मताधिकार का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, बेसिकली बताया क्या गया है कि आप सार्वभौमिक मताधिकार मतलब कि एक विशेष एज ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं वो इलिजिबल हैं किसके लिए, चुनाव के लिए। लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में जो महिलाएं होती थी या फिर जो दलित वर्ग के लोग होते थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो है वर्तमान समय में हट गया है। अब उन्होंने अभी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, काफ़ी कुछ विद्रोह किए, काफ़ी कुछ धरना प्रदर्शन किया, तब जाके वो उनको ये अधिकार मिल पाया है। ठीक है, अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। ठीक है, इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। और ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि औरतें और गरीब और अशिक्षित लोग जो है उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि ऐसी स्थिति में उन नियमों का जो अर्थात क्या हुआ कि जो संसार के जो नियम होंगे, जो संसार के जो कानून होंगे वो कुछ ही विशेष व्यक्ति के हाथों में सिमट कर रह जाएगा। ठीक है, अब भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। अब गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। ठीक है, अब लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट कर लेना है, कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर के अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। काफ़ी मार्मिकता भरे शब्दों में इन्होंने अपने जो यंग इंडिया जो 1931 में प्रकाशित हुआ था उसमें लिखा था, क्या लिखा था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे विचार हैं, क्योंकि आप इसको कोट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में भी। उन्होंने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है और लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। ठीक है, अब देखिए संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार ने कार्यों के भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है, मतलब सरकार ने कभी नहीं चाहा कि जो है शक्ति का बंटवारा हो जाए, सभी लोग जो है इसमें समान भागीदारी हो, तो लोगों ने अपने खुद अधिकार के लिए खुद लड़ाई की है, न केवल भारत में जबकि यूरोप और अमेरिका ने भी काफ़ी कुछ युद्ध लड़े हैं। ठीक है, महिलाओं ने भी, आप लोगों को पता होगा जो अफ्रीकी लोग थे वो आज भी रंग भेद की जो नीति अपनाई जाती है अमेरिका में वो आज भी विद्यमान है। ठीक है, जो अफ्रीका के लोग हैं वो पहले लाए जाते थे एक मजदूर की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह वो लाए जाते थे और अमेरिका में क्या होते थे, वे काम करने के लिए बाधित होते थे। अब उनके लिए क्या होता था, तमाम प्रकार की जो है वहाँ विविधताएँ, तमाम प्रकार की असमानताएँ जो है विद्यमान थी। उन्होंने अपने क्या किया कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, तब जाकर उनको आज ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन आज भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जो अभी रिसेंटली में घटना चली थी, किस प्रकार से जो एक पुलिस वाले ने एक अश्वेत व्यक्ति को अपने पैर के नीचे, घुटने के नीचे दबा कर उसकी मृत्यु कर दी थी और दाम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी, तो कितना विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, अब महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। अब इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ध्यान रखना है जो महिला मताधिकार है
इस आंदोलन को महिला मताधिकार कहते हैं और अंग्रेजों ने इसे सफ्रेज मूवमेंट कहा, ठीक है। और सफ्रेज का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार, ठीक है। इसके विरुद्ध में जो है महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी काफ़ी लंबी, इसको देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ते हैं। तो युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों में करने के लिए, देखिए, युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष जो है वो लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतना गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी और महिलाओं को ये काम नहीं कर सकती हैं। देखिए, बेसिकली जब बताया गया है कि जब युद्ध होता था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें उस समय में कई ऐसे काम थे, ठीक है, कई ऐसे छोटे छोटे कार्य थे जो कि माना जाता था कि उस समय रूढ़िगत विचारधाराएं हमारी ऐसी थी कि माना जाता था कि ये कार्य सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे पुरुष की कमी हुई तो महिलाओं को लिए भी वो काम जो है आवंटित किए गए और महिलाओं को भी वो काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन महिलाओं ने जब उस काम को बड़े बखूबी तरीके से, अच्छी तरीके से निभाया तो लोगों को जानकर ये आश्चर्यचकित हुआ कि सचमुच में औरतों के लिए कितनी हमने गलत विचारधाराएं या फिर कितनी हमने गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं हमने बना रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी औरतों का जो है विकास हुआ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरह महिलाओं का निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। अब महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिला जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी रही, ठीक है। अब अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं कि अमेरिका में जो है औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है उसके कुछ ही साल बाद 1928 में मिला था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। चौथा अध्याय जो हमारा है वो है, चौथा अध्याय हमारा है लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार को हम देखेंगे, तो लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य तत्व हम इसके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य तत्व जो हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ये देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियाँ के लोग रहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका, ये है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे श्वेत, गोरे, अश्वेत अर्थात काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय, ठीक है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि जोहान्सबर्ग में रहने वाली एक 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया, ठीक है, माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर अर्थात स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कर्तनों से और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा और उसने पूछा क्यों, तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका माया की माँ ने क्या समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद का कानून से शासित था, ठीक है। रंगभेद का मतलब होता है त्वचा, चमड़ी के रंग आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे इनको जो है समाज से भिन्न समझा जाता था और इनके साथ जो है वो असमानता का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। इनके साथ जो है वो असमानता का व्यवहार किया जाता था। इसमें वहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। इसमें क्या होता था कि श्वेत, अश्वेत और भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। इनको अलग अलग समझा जाता था। असमानता जो है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल पर नहीं थी, वो काफ़ी जो है उच्च स्तर पर थी और विभिन्न प्रजातियाँ के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे दिखाया गया है किस प्रकार से यहाँ पे लगाया भी गया है कि ड्रिंकिंग फाउंटेन, जो कि एक तरफ वाइट लिखा गया है, ठीक है, जो कि श्वेत श्वेत की तरफ और एक कलर्ड, ठीक है, अश्वेत जो है। पब्लिक स्विमिंग पूल देखिए वाइट ओनली, ठीक है, यहाँ पर जो श्वेत लोग हैं वही जा सकते हैं, अश्वेत यहाँ पर नहीं जा सकते। इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, 1931 का यह दृश्य है।
अब श्वेत और अश्वेत लोगों को अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग अलग होती थी। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो श्वेतों का अस्पताल होता था वो अनेक प्रकार की जो है वो सुख सुविधाओं से सुसज्जित था, जबकि अश्वेत लोगों का जो अस्पताल होता था वो बैठने की जगह भी अच्छी तरीके से नहीं होती थी। ठीक है, अब श्वेतों का इलाज जो है अश्वेतों का इलाज जो है श्वेतों के अस्पताल में नहीं होता था। इस प्रकार से अनेक प्रकार की असमानताओं को हम देखते चलेंगे। जैसे श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसे एम्बुलेंस कहते हैं हम। ठीक है, उनके लिए रेल एवं बसें अलग अलग होती थी और यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। ठीक है, जो उनके लिए बस स्टैंड जो खड़े होने का स्थान होता था वो भी अलग होते थे। आप लोग देख सकते हैं कि जो बेसिन है, ठीक है, ये एक वाइट के लिए है जो कि तमाम प्रकार की सुसज्जित किया गया है, जबकि एक कलर्ड के लिए है जो अश्वेत है उनके लिए। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो अश्वेत है ये इस बेसिन का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, असमानता का लेवल आप देख सकते हैं इस प्रकार से। जैसे अब अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त भी नहीं थी। ठीक है, यानी अश्वेत सिर्फ वोट जो दे सकते थे, यानी कानून के निर्माणकर्ता जो थे वो श्वेत लोग ही थे। अब इनमें अश्वेत लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। ठीक है, तो किस प्रकार से देख सकते हैं लेवल देख सकते हैं आप लोग कि देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। यहाँ तक कि यह भी बता जाता है जब बस में सवारी करते थे अगर कोई श्वेत व्यक्ति आ गया तो उस अश्वेत व्यक्ति को चाहे वो कैसा किसी भी स्थिति में हो अपना सीट उसे छोड़कर पीछे की तरफ जाना पड़ता था या फिर अपने सीट से खड़ा हो जाना पड़ता था। ठीक है, इस लेवल का था। जैसे उनके साथ जो है वो भेदभाव किया जाता था, स्कूलों में भी आप लोग देख सकते हैं साथ साथ में। अब इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि एक शहर था सोवेटो, ठीक है, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। अब हेक्टर पीटरसन जो है वहीं रहता था। अब वहाँ के श्वेत लोग जो है वो अफ्रिकांस बोलते थे, उनकी भाषा होती थी अफ्रिकांस। अब हेक्टर जो है हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वह अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। अब हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रिकांस सीखने का विरोध कर रहा था और दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ भाड़ में गोलियां बरसाई। ठीक है, और उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया। 16 जून 1976 की घटना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख भी सकते हैं कितनी मर्मिकता से साथ में इसको मर दिया गया था। लेकिन वहीं इनके मसीहा जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता जो है नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका रंगभेद की नीति के खिलाफ़ जो है बहुत लंबे समय तक संघर्ष इन्होंने किया था, इनको आप जब पढ़ेंगे इनकी विचारधाराएं तो काफ़ी कुछ आपसे जो है आपको इनसे जानने का मौका मिलेगा। ये भी अश्वेत का शिकार थे। ठीक है, समाज में इन्होंने क्या किया कि अश्वेतों का एक संगठन बनाया। ठीक है, इसके बाद वे उनके मसीहा बने, नेता बन के उभरे और यहाँ पर जो है जो रंगभेद की नीति थी उसके खिलाफ जो है काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष भी किया था नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तभी से सभी प्रजातियों के लोग को बराबर माना जाने लगा। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होता है, अब पूछ लेते हैं हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होता है। देखिए, सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुन लेने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। और चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वह लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं और इस तरह से नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, यानी सरकार जो है वो तानाशाह नहीं हो सकती है जिस तरह के उत्तरी अमेरिका के किंग जोंग इस समय हुए हैं। ठीक है, या फिर आप चाइना के भी तानाशाह की दृष्टि से एक तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हर सरकार जो होती है वो एक सरकार की एक निश्चित अवधि होती है। उस निश्चित अवधि के ख़त्म हो जाने के बाद अब जो है जनता को यह निर्णय लेना होता है कि सरकार आगे तक कार्य करेगी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति सरकार निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है लोगों का जो है सरकार पर दबदबा बना रहता है, जिसकी वजह से सरकार कोई भी गलत निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि अगर वो गलत निर्णय लेगी तो वो अगले साल या फिर अगले इलेक्शन में उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए कि वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों को भाग लेने और कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नियम या फिर निर्णय जो है नीति जो है लागू करती है सरकार, तो उसमें भी लोगों की भागीदारी अनेक प्रकार से है। इसमें बताया गया कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले सकते हैं और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी जो है वो निभा सकते हैं। जैसे जैसे CAA प्रोटेस्ट जो है
जो जो देखा गया असम के लोगों के द्वारा, ठीक है, उसका प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये उनके अधिकारों का हनन है, मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इस प्रकार से आप कोई भी सरकार के नियम अगर लागू करती है तो आप उसके विरुद्ध में, उसके पक्ष में भी रह सकते हैं भागीदारी के रूप में, या फिर उसके विपक्ष के रूप में भी आप खड़े हो सकते हैं। अब वहीं देखते हैं कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप में व्यक्त किया था। ठीक है, आजकल तो डिजिटल माध्यम हो गया है तो आप सरकार का जो है विरोध जो है डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, या फिर वर्तमान रूप में आप उसका धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी जुलूस निकाल सकते हैं। अब लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग मांगनी पड़ी और बिजली के बढ़ाए दामों को घटाना पड़ा। ठीक है, और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, अब भागीदारी के अन्य तरीके कौन कौन से होते हैं उसको भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इनके तरीके में जो है धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इसके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अब व्यक्ति क्या करते हैं कि मान लीजिए सरकार ने कोई जो है नियम जो है पारित किया, अब व्यक्तियों का जो है विरोध करना है तो उसके माध्यम से जो है धरने के माध्यम से विरोध कर सकते हैं, या फिर जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, एक साथ जो है देखते होंगे ना कि एक साथ कई एम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे मान लीजिए बिजली विभाग के कई एम्प्लॉयमेंट है तो उन्होंने एक साथ हड़ताल कर दिया, या फिर हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। ठीक है, कई लोगों का हस्ताक्षर यहाँ पे भागीदारी होती है इस प्रकार से। अब देखते हैं भागीदारी के अन्य तरीके क्या होते हैं। देखिए, अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि आजकल मीडिया जो है वो गोडी मीडिया हो गई है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, मैं किसी भी सरकार का जो है विपक्षी नहीं हूँ। ठीक है, आपको ये समझने का प्रयास करना है कि जो मीडिया का जो परिप्रेक्ष्य है, जो बात जो जो जिसके लिए मीडिया का निर्माण किया गया था, जिसके लिए मीडिया बनी थी, वो अपने कर्तव्य पथ से हट रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार का दबदबा जो है मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब सरकार उसके पक्ष में होती है, कुछ सरकार उसके विपक्ष में होती है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि आज के दौर में भी कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो कि सरकार का दबदबा उन पर नहीं है और निष्पक्ष वो न्यूज़ देते हैं, जैसे कि NTT न्यूज़ हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चन, तो जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि आज के हमारे जो समाज है वो कैसे आज के समाज में ऐसे कई वर्ग के लोग हैं जो दलित हैं, जो आज भी असमानता को सहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश विदेश की जो भी खबरें होती हैं वो हम TV न्यूज़ के माध्यम से भी पता कर पाते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप भी और भी मजबूत होगा। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि सरकार की भूमिका में साझेदारी किसकी हो? जनता की। यदि जनता बढ़ चढ़ कर अपने कर्तव्यों, अपने मूल अधिकारों के बारे में जाने, यदि जनता को यह ज्ञात हो कि उसके मूल अधिकार क्या है, ठीक है, तो वो सरकार के उन कार्यों का विरोध कर सकती है जो कि न्याय संगत नहीं है, या फिर न्याय संगत ऐसे कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि लोग यदि सजग हो तो लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लोगों को ज्ञान इसके बारे में होना चाहिए। अगर हमें शहर, कस्बों या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। बेसिकली बताया गया कि 6 के विद्यार्थियों को यहाँ की, अगर आपको कोई भी अगला जुलूस दिखता है तो उसको रोकिए, उनमें से किसी व्यक्ति को रोकिए, उससे पता कीजिए कि ये किस बारे में जुलूस निकाला गया, जिससे आपकी जानकारी जो होगी वो बढ़ेगी। देखिए, विवादों एवं समस्याओं का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग
किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि कई बार क्या होता है कि जब सरकार हमारी, जैसे CAA क्या हुआ कि हिंसात्मक रूप ये पकड़ लिया था, तो धारा 144 लागू कर दिया गया था, ठीक है, उसको रोकने के लिए कि कोई भी आवाजाही सब उसको बंद कर दिया गया था। तो कई बार क्या होता है कि सरकार का कट्टरता से विरोध करने के लिए कई बार व्यक्ति जो होते हैं वो समूह बनाकर हिंसात्मक कार्यों पर अंजाम दे देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध, माफ़ कीजिएगा, दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है, ठीक है। तो जब यह व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि बिना बल का इस्तेमाल किए हमारे कर्तव्यों का या हमारे बातों को नहीं मानेगी सरकार, तब वहाँ पे हिंसात्मक रूप जनता लेती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि सुने भी होंगे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक समुदाय या एक धर्म के व्यक्ति जब दूसरे धर्म या फिर दूसरे समुदाय के व्यक्ति से तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, दंगों के माध्यम से जो है हिंसात्मक कार्य होता है, ठीक है। जैसे ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे CA पर देखा गया कि जो CAA लागू किया गया, तो उसमें देखा गया कि जो असम के निवासी थे उनको लगा कि हमारे यहाँ पे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जो जो पृष्ठभूमि है अगर वो बाहर से लोग आएंगे बांग्लादेश या पाकिस्तान से तो क्या करेंगे, वो भी वहीं पे रहेंगे और उनके लिए जो रोज़गार है, रोज़गार के साधन बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ में उनको ये भी डर लगा था कि उनकी पृष्ठभूमि धीरे धीरे क्या करेंगे, ये लोग हड़प लेंगे। तमाम प्रकार के जहाँ पे जो है बताने की कोशिश की गई थी, तो इस प्रकार से, ठीक है, जब लोगों को डर यह होता है तब भी हिंसात्मक कार्य के रूप में हिंसात्मक रूप में पकड़ लेता है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। देखते हैं, आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। और कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए, आप लोग देखे होंगे कि जो धार्मिक जो जुलूस निकालते हैं, जैसे ताजिया हो गया, ठीक है, इस तमाम प्रकार के कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो समुदाय के होते हैं कट्टरता होती है, कट्टरपंथी होती है, तो उसके माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं कि एक समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ जाते हैं कि ये जुलूस यहाँ से नहीं निकलेगा या फिर इस रास्ते से नहीं निकलेगा, या फिर दूसरे रास्ते से अगर कोई जा रहा है तो उसको भी क्या होता है, पत्थरबाजी। कई बार तमाम प्रकार की घटनाएं हम आजकल के समाज में अपने देखते रहते हैं। तो ये भी है जो कि धार्मिक रूप से अगर देखा जाए। अगला हमारा कि सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ऐसी कोई भी घटना होती है तो क्या होती है, हम तुरंत पुलिस का सहारा लेते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे शहर में हुई है, इस गांव में। तो पुलिस क्या करती है कि दोनों आपसी समुदाय को पहले बुलाती है, समझाती है, समझाने बुझाने का कार्य करती है। लेकिन अगर वो भी नहीं मानते तो क्या करती है, फिर हिंसात्मक रूप अपनाती है। तो पुलिस भी डेफिनेटली क्या करेगी, फिर वो भी कड़ा यहाँ पर कानून लागू करेगी। क्या करेगी, उन लोगों जो भी हिंसात्मक कार्य करेंगे तो उनको पकड़ के जेल में डाल देती है। तो यह भी सरकार की तरफ से कार्य किया जाता है। अब पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि हिंसा ना भड़के, मतलब दोनों समुदाय को आपस में बैठा कर, तालमेल बिठा कर, उनमें आपस में बातचीत कराई जाती है ताकि तालमेल बैठ जाए और एक दूसरे की जो है जो भी समुदाय हैं एक दूसरे से तालमेल बिठाकर वो कार्य करे अपना। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस जो है दूसरे हथकंडे भी अपनाती है। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके, ठीक है। अब अगला, किस प्रकार से विवाद हो सकता है, नदियों पर भी कई बार जो है दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, या फिर राज्यों राज्यों के बीच में हो जाता है, या फिर कई राज्यों के बीच में हो जाता है, या फिर एक देश से दूसरे देश के बीच में जल विवाद बनते रहते हैं, ठीक है। जैसे सिंधु नदी जल विवाद हो गया, तमाम प्रकार के जल विवाद होते रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो पद्मा निकल के आती है भारत में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार से होता है कि कई बार क्या होता है, चीन जो है उसमें डैम बना देता है, बड़े बड़े डैम बना देता है, अचानक से वो पानी छोड़ देगा, बताता नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारे भारत में आ जाते हैं। तमाम प्रकार की ये नदियों की घटनाएँ जो क्षेत्र होते हैं, जैसे नदियाँ भी कई बार क्या होती है, विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है और जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। कई बार क्या होता है कि जब एक नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है तो नदी का कितना पानी एक राज्य जो है इस्तेमाल करेगा, इससे संबंधित जो है विवाद वहाँ पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कावेरी नदी जो है, देखिए उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, ये कर्नाटक हो गया,
कर्नाटक और ये तमिलनाडु, ठीक है, तो इनके बीच में जो है कावेरी नदी ये बहती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो उदाहरण के लिए अपने आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। इसमें क्या है कि कर्नाटक के कृष्ण सागर, ठीक है, कर्नाटक में जो है कृष्ण सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। कृष्ण सागर बांध किस पे बना है? कावेरी नदी पर। और ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, पहली बात, ठीक है। अब इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी क्या होती है? पूरी होती हैं। लेकिन तमिलनाडु के मेंटूर बांध से भरे हुए इस नदी के पानी में राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है और दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। बेसिकली बताया गया है कि कर्नाटक में जो है वो कृष्ण सागर बांध और तमिलनाडु में मेंटूर बांध है, ठीक है। अब ये जो बांध बनाए गए हैं ये किसके लिए बनाए गए हैं? ये दोनों राज्य ने बनाया है अपने किसान सिंचाई के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोनों बांध बनाए गए हैं। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि ये दोनों राज्यों से होकर बहती है। और दूसरी बात क्या है कि दोनों राज्यों से होकर बहते हुए भी ये दोनों राज्य का बीच का जो है अब इसमें पानी का बंटवारा किस प्रकार से हो, तो यही विवाद का कारण बन गया है। तो क्या हुआ कि कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध जो है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, आपने देखा भी था। अब तमिलनाडु का मेंटूर नदी बांध जो है वो निचले छोर पर है क्योंकि तमिलनाडु नीचे की तरफ है। अब मेंटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, ठीक है। अब दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता, इससे विवाद का उत्पन्न होता है, ठीक है। बताया क्या गया है कि जो कृष्ण सागर बांध है कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध वो ऊपर की तरफ है और जो तमिलनाडु का मेंटूर बांध है वो निचले छोर पर है। अब जब तमिलनाडु के मेंटूर बांध पे तभी पानी आएगा जब कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा। अब मेंटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण सागर से बांध छोड़ा जाएगा, लेकिन दोनों राज्यों के बीच में जो है ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब राष्ट्रीय सरकार ने कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब किस प्रकार से बंटवारा करती है, ठीक है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, समानता एवं न्याय देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार में से एक उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना है। यानी न्याय और समानता सभी व्यक्ति को एक समान मिलने चाहिए। अब न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। न्याय एवं समानता एक ही सिक्के के दो पहलू है। लंबे समय तक क्या होता था कि दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की जो सुविधाएं थी उनसे वंचित रखा जाता था और पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। तो असमानता का शिकार थे जो दलित लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, जो कि जिसको कि असमानता का शिकार होने पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ा समुदाय जो एक उच्च कुल के जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ रहे हैं और एक छोटी जाति की बच्ची है वो अकेले पढ़ रही है। तो इस प्रकार से जो असमानता को यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको यूपीएससी के पेपर में लिख सकते हैं, इक्वलिटी डज नॉट मीन जस्टिस, ठीक है। दिस इज इक्वलिटी, दिस इज जस्टिस। मतलब क्या किया गया है, मान लीजिए कि एक टीवी चल रही है, ठीक है, एक टीवी चल रही है, तो हमने क्या कर दिया कि दिस इज़ इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या मतलब है कि हमने मैच देखना है, ठीक है, इसमें एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, एक उससे बड़ा है, एक सबसे बड़ा है, ठीक है। अब सबसे बड़े वाले को स्टूल जो है रिक्वायर नहीं है जबकि सबसे छोटे वाले को बड़ी स्टूल जो है रिक्वायर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी अगर हम देखा जाए तो इक्वलिटी के माध्यम से हम क्या करेंगे कि तीनों को एक एक स्टूल दे देंगे। अब यहाँ पर ये समानता नहीं हो गई, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला है ये तो और बड़ा हो जाएगा लेकिन छोटा वाला उतना ही छोटा रहेगा, ठीक है, उसके चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब जस्टिस की बात यहाँ पे आ गई है, ठीक है, जिसे हम रिजर्वेशन अपनी भाषा में कहते हैं, रिजर्वेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो तबका निचले तबके का जो व्यक्ति है उसको उठाने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे और जो ऑलरेडी उठा है, ठीक है, उसको हम दबाएंगे नहीं जबकि उसको उसी तरीके से रहने देंगे। मान लीजिए कि अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अब ये समानता है, ये न्याय है, ठीक है, ये क्या है, ये इक्वलिटी है, ये समानता है कि हमने सभी को एक प्रकार से स्टूल दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दबे हुए को उठाना है, ठीक है, दबे हुए को उठाना है, तो ये क्या है, जस्टिस है। तो इसी को हम रिजर्वेशन कहते हैं, जो दलित वर्ग के लोग हमारे समाज में हैं उनको हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन के माध्यम से उनकी जीवन शैली को उठाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि वो भी समाज में समानता का अनुभव कर सकें, ठीक है, असमान व्यक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि इक्वलिटी डज मीन जस्टिस, मतलब कि समानता का मतलब न्याय नहीं होता है, ठीक है, समानता मतलब होता है
कि जो दबा तबका का है, जो दलित वर्ग का लोग है, उसे उठाया जाए, ठीक है, उसे उन सभी समान व्यक्तियों के समान लाया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कई अन्य लोगों को जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों को एक साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा। अब सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, समानता एवं न्याय क्या है कि जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हमने हमारे समाज में क्या प्रावधान है कि जो जो लोग होते हैं वो लड़कों का देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं, आपने देखा भी होगा कई प्रकार से, ठीक, अपने समाज में भी आप। इसका मतलब यह है कि हमारे समाज जो है वो लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है, ठीक है। अब इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि तमाम प्रकार की योजनाएं जो है चलाई गई हैं, ठीक है। इसे दूर करने के लिए क्या किया है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण के स्वरूप अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की फीस जो है वो खत्म करने का प्रावधान किया गया है, या फिर उन्हें कई बार क्या होता है कि स्कॉलरशिप, ठीक है, अगर वो ग्रेजुएशन करती हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा चौथा अध्याय भी समाप्त होता है यहाँ पे। हमारा पांचवा अध्याय है पंचायती राज को हम देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पांचवा अध्याय हमारा स्टार्ट हो गया है, आइए देख लेते हैं पंचायती राज क्या है। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। देख सकते, बेसिकली बताया गया है कि पहले हमारे जो न्याय का स्तर था वो क्या था, वो हमारी सरकार जो थी वो दो भागों में विभाजित की गई थी। अब हमारा जो है तीसरा जो भाग है वो पंचायती राज के रूप में जोड़ा गया, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। ग्राम सभा, ठीक है, जब आप देखते हैं तो ग्राम सभा का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके जो मन में है एक इस प्रकार की छवि जो है वो बन जाती है कि कुछ पंच होते हैं, पांच लोगों का समूह होता है, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, कोई भी समाज की जो बात होती है तो आपस में सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसके बाद क्या होता है, सरपंच के माध्यम से जो है, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से गलत है, ठीक है। अब प्रधानों की जो वर्तमान छवि है वो बदल चुकी है, ठीक है। प्राचीन समय में ऐसे होता था कि हम इमेजिन क्या करते थे, पंचों का पहला एक समूह होता था जिसके माध्यम से गाँव के सभी न्यायसंगत निर्णय लिए जाते थे। अब भी वही है, प्रधान का कार्य तो वही है, ठीक है। अब क्या होता है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या फिर एक से ज़्यादा हो, और कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। बेसिकली समझाने की कोशिश की गई है कि आपका एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, एक पंचायत होता है, पंचायत क्षेत्र होता है। कहते ना कि हमारा पंचायत क्षेत्र आपका कौन सा है, तो हमारा कहते हैं कि ये हमारा ये पंचायत क्षेत्र है, हमारा ये पंचायत क्षेत्र है। तो एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कई जो है कई ग्राम सभा आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कई जो है वो ग्राम सभा आते हैं। बेसिकली क्या बताने की कोशिश की गई है, एक पंचायत क्षेत्र के अंदर एक ग्राम सभा हो सकते हैं या फिर कई ग्राम सभा हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि कई ग्राम सभा मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं, या फिर एक ग्राम पंचायत भी एक ग्राम सभा भी एक पंचायत क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। बेसिकली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है, वो वोट देने का अधिकारी होता है, बेसिकली बताया गया है। अब देखिए, ग्राम पंचायत होता क्या है उसको हम देख लेते हैं एक बार, कि एक ग्राम पंचायत जो होता है वो कई वार्ड है, मतलब कई क्षेत्रों छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। अब प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड जो है वो पंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे हम पंच कहते हैं, प्रधान कहते हैं, मुनिया कहते हैं, मुंशी कहते हैं, तमाम प्रकार के जो नाम यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है। अब बेसिकली बताया गया है कि जो एक ग्राम सभा होती है वो कई वार्डों में बटी होती है, ठीक है। कई वार्ड मतलब मान लीजिए कि एक गाँव है, ठीक है, एक गाँव हो गया, ये ग्राम सभा हो गई। अब इसके अंतर्गत कई वार्ड होंगे, ठीक है, इस छोटे प्रकार से छोटे छोटे वार्ड जो 1000 जनसंख्या होगी तो उनको एक वार्ड के रूप में बना दिया जाएगा। अब इन सभी वार्डों में एक एक जो है एक 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 क्या चुने जाएंगे, एक एक जो है मुखिया चुने जाएंगे, ठीक है। अब बताया गया है
कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में होता है, बटी होती है, और प्रत्येक वार्ड एक अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जैसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब क्या होता है कि कई ग्राम सभा जो है मिलकर वो पंचायत का निर्माण करते हैं, और यही मुखिया मिलकर क्या करते हैं, यही मुखिया जो है पंचायत के मुखिया का चयन करते हैं। बेसिकली यही बताने की कोशिश की गई है, आपको समझना सिर्फ इतना है कि एक ग्राम पंचायत जो होता है वो कई वार्डों में, कई क्षेत्रों में बटा होता है, और प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि चुनता है, ठीक है। देख लेते हैं, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन जो है 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है। वार्ड पंच जो होता है, जिसे हम अपने गांव का पंच कहते हैं, तो गांव का पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, और ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत मतलब पंचायत जो होती है वो कई ग्राम सभाओं से मिलकर बनती है, और कई ग्राम सभा जो है वो वार्डों में विभक्त होते हैं, आपको बेसिकली याद आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली बताया क्या गया है कि अब जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, वो 5 वर्ष के लिए होता है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या देखा कि हर ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ठीक है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। अब बेसिकली बताया गया कि जो सचिव का जो चुनाव नहीं होता है, उसकी जो है सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। जो ग्राम का सचिव होता है उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, सचिव के द्वारा। अब देखिए, सचिव का जो काम है वो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। मान लीजिए ये एक सचिव है, ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के विभिन्न गांवों के प्रधान हैं, ठीक है, विभिन्न गांवों के प्रधान हैं, तो इनको बुलाया गया है। तो अब ये सचिव हैं, यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, जो भी निर्णय आएगा उसके माध्यम से ये रिकॉर्ड उसका रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ग्राम पंचायत पूरे गाँव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग व एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह ग्राम सभा से चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेसिकली बताने की कोशिश क्या की गई है कि जो ग्राम पंचायत होता है वो पूरे गांव के हित के निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, ग्राम सभा की जो बैठक होती है तो उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएँ लोगों के सामने रखती है, और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत इन पर रोक भी लगा सकती है, मनमाने ढंग से आप कार्य नहीं कर सकते। अब देखिए, ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक होती है, जो ग्राम पंचायत की जो है वो नियमित रूप से बैठक होती है, उसका मुख्य काम होता है उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम को लागू करवाना, ठीक है। अब ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, जो ग्राम सभा होती है वही जो है वो ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। कुछ राज्यों में क्या होता है कि जो ग्राम सभाएं होती है वो काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ जो है वो पंचायत के, ये दोनों मिलकर ग्राम के विकास के लिए काम करते हैं, जिसे सामुदायिक भवन कहते हैं। सामुदायिक मतलब सभी के यूज़ के लिए, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के काम, जो ग्राम पंचायत का काम क्या है कि ग्राम के काम है सड़क, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना एवं रखरखाव एवं स्थानीय कर लगाना एवं इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी लागू करना, ये किनका काम है, ये ग्राम पंचायत का काम है, ठीक है। अब देखिए, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, ठीक है, हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा इनको लाभ तो नहीं होता है, लेकिन जो कई बार क्या होता है जहाँ पे मेले लगते हैं, सार्वजनिक स्थान पे मेले लगते हैं, या फिर कई जो है सार्वजनिक स्थान होते हैं जहाँ पर ये कर लगाते हैं, तो इनसे वो कर वसूलते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ठीक से। अब देख लेते हैं कि स्तर कौन सा है। देखिए, सबसे ऊंचा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक से, सबसे ऊंचा जो है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद कहते हैं। उससे नीचे क्या होती है,
उससे नीचे होती है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, ठीक है। उससे नीचे क्या होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत मतलब जो हमारे हमारा गांव होता है, ठीक है। अब कई ग्राम पंचायत जो है मिलकर वो पंचायत समिति का निर्माण करते हैं, और उससे ऊँची जो होती है वो जिला परिषद होती है, ठीक है। आप थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मुखिया जो जिला परिषद का होता है वो जो आप बनने वाले जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम जिला अधिकारी कहते हैं वो इसका मुखिया होता है। पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत समिति में जो सचिव होते हैं, इसमें कई गांवों को मिलाकर ग्राम कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है। अब गाँव ग्राम पंचायत क्या होता है, जो छोटे छोटे गाँव होते हैं उन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, और क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, ठीक है, जो वहाँ के गाँव के लोग होते हैं वही उसका चयन करते हैं, ठीक है, प्रधान का। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, इसे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला है। अब पंचायत के तीन स्तर होते हैं, ठीक है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, जैसे कि जैसा कि हमने देखा भी था। अब पंचायत समिति के ऊपर क्या होता है, जिला पंचायत या फिर जिसे हम जिला परिषद कहते हैं, यह तीसरा स्तर होता है। अब जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएँ क्या करता है, बनाता है, ठीक है। अब पंचायत के तीन स्तर हैं, कौन कौन से, पंचायती समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। बेसिकली जो भी जिला पंचायत करती है वो क्या करती है कि सभी पंचायतों को जो है वो जो भी राशि होती है जो विकास कार्य में लागू किए जाने हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा जो दी जाती है, तो जिला पंचायत जो होती है, जिला परिषद जो होती है वो माफ़ कीजिएगा, वो पंचायत समितियों को वितरित करती है। अब पंचायत समिति क्या करती है कि सभी गाँवों को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी ग्राम सभा को राशि दे देती है, ठीक है। अब पंचायत के तीन स्तर होते हैं, ठीक है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, ठीक है। यही हमारा क्लास 5 का NCERT भी समाप्त होता है, ये छोटा अध्याय था। अब हमारा जो है गांव का प्रशासन देखेंगे, गांव का प्रशासन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पार्ट 6, हमारा जो गांव का प्रशासन है उसको देख लेते हैं। देखिए भारत में 600,000 से अधिक गांव हैं, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब उनकी पानी बिजली सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम तो है नहीं। अब इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों का भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली बताया क्या गया है कि जो हमारा भारत है वो इसमें लगभग 600,000 से भी अधिक जो है वो गाँव हैं। अब सभी गाँव को पानी बिजली सड़क आदि जो सुविधाएं होती है, सुख सुविधा होती है, वो मुहैया करवाना कोई आसान काम तो है नहीं, इस वजह से बताया गया है। और साथ ही साथ उनके ज़मीनों का दस्तावेज रखना, जिसे हम खसरा खतौनी कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार से जो है, मान लीजिए कि कोई विवाद हो छिड़ गया तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए क्या आएगा, जिसे हम अपनी भाषा में लेखपाल कहते हैं, मुनीम कहते हैं, ठीक है, लेखपाल ही कहते हैं अपनी भाषा में हम लोग। तो क्या कहते हैं, लेखपाल क्या होता है, उसके पास खसरा खतौनी होता है जिसके माध्यम से वो विवादों का निपटारा करता है। अब क्या होता है कि इन सब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, जिसको हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। देख लेते हैं, मोहन एक किसान है। एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। अब उसके खेत में लगा हुआ रघु का खेत है, ठीक है। अब मोहन एवं रघु जो है वो आसपास उसके खेत हैं। अब दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ में अलग होते हैं, ठीक है। अब जब गांव में देखे होंगे कि छोटी छोटी मेड़े होती हैं, मेड़े होती है हम लोग अपने गांव की भाषा में कहते हैं, ठीक है, जौनपुर की भाषा में, बनारस की भाषा में दाढ़ कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है, द से दवात, दाढ़ कहते हैं ना, कहते हैं कि दाढ़ मेड़ है, तो गाँव में हमारी यही भाषा प्रचलित है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेड़, ठीक है, उसका शुद्धतम रूप है, मेड़ कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि छोटी छोटी मेड़े से जो है ये अलग होती हैं।
बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये अलग किया गया है। एक सुबह क्या किया कि मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ का थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया था और ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली। अब अपने खेत का आकार उसने क्या कर लिया, बढ़ा दिया। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ जो है मेड़ काट करके इतने में इधर कर दिया, तो इतना क्षेत्र जो है इसके खेत में आ गया। अब अगली जब सुबह हुआ उठता है, देखिए किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा, मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। अब रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया, उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया और मोहन को सिर पर और हाथ पे बहुत चोट आई थी। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से अगला अगला प्रोसेस चल रहा है। मोहन के एक दोस्त था जो कि गाँव के डाकघर में काम करता था, उनसे सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस के जाके स्पष्ट जो है रूप से रपट लिखानी चाहिए। रपट मतलब FIR, जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है और जो उसके नियंत्रण में होता है। ठीक है, कार्यक्षेत्र जैसा आपको कहते हैं ना कि आपका थाना कौन सा है, तो थाना बताएंगे, थाना मीरगंज है हमारा थाना, इस टाइप बताते हैं। ठीक है, तो जो लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पर विशेष क्षेत्र के लिए एक थाना का निर्माण किया जाता है, तो उस सभी क्षेत्र से संबंधित जो भी रिपोर्ट लिखवाई जाएंगी उसी थाना क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट लिखवा जा सकती है। अब यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जाँच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक है, बेसिकली जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है और थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों के लिए जांच पड़ताल का समय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली समझाया गया है कि किस प्रकार से हमारा आज का समाज है। ठीक है, और होता भी है, रियलिटी वास्तविकता यही है कि हम कई बार क्या होते हैं कि जब अकेले पुलिस के पास जाते हैं तो ऐसे पुलिस के पास हज़ारों मामले आते रहते हैं, दिन में कई मामले आते रहते हैं, तो वो ऊब जाते हैं छोटी छोटी घटनाओं पर कि उसने मुझे गाली दे दी है, ये रिपोर्ट लिखवानी है, इसने मुझे मार दिया है तो रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस भी क्या होती है कि थक जाती है, एक समय के बाद जब थक जाती है तो वो भी क्या करती है, वो भी कहती है कि छोटी छोटी घटनाओं के लिए मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पुलिस पर फोर्स पड़ता है तो डेफिनेटली वो कार्य करेगी। जैसे अब पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोट आती और उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। जब कहीं भी आप फोर्स करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली उस पर जब जोर पड़ेगा तो अंततः थानेदार क्या हो गया, राजी हो गया। अब उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। देखिए NCERT का सबसे बड़ी बात होती है कि समाज की वास्तविकता को दर्शाती है, इसलिए UPSC हर UPSC एस्पिरेंट को कहा जाता है कि वो NCERT को पढ़े, क्योंकि NCERT को जब हम पढ़ते तो अपने समाज के बारे में जानते हैं, अपने देश के बारे में जानते हैं। ठीक है, वो वास्तविकता को सामने रखती है। ठीक है, वो मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाती है। एक एक स्टेप देखिए, अब ऐसी कोई भी किताब नहीं होगी जहाँ पर आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। अब आप आगे जिस प्रकार से कहानियाँ पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत आपका क्या क्या कर सकते हैं। तो आगे की कक्षाओं में हम विशेष तौर पर विस्तारपूर्वक उस कहानियों को भी पढ़ेंगे। तो बड़े ही अच्छे तरीके से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका NCERT का। तो थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जाँच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? था, ठीक है, जिसे हम खसरा कहते हैं, आपको आगे पढ़ेंगे। तो क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गाँव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए, अब ज़मीन को नापना या उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अब अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी कहा जाता है तो कहीं लेखपाल, हमारे यहाँ लेखपाल कहा जाता है। ठीक है, हालांकि पटवारी भी कई बार कहा जाता है, और कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। ठीक है, कानूनगो, तो हालांकि जो प्रचलित नाम है वो पटवारी और लेखपाल ही है, लेकिन कहीं कहीं पर कर्मचारी, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी, कहीं पर कानूनगो भी इसे कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लेखपाल कहते हैं अपनी भाषा में। जिसके पास क्या होता है कि हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ, तो अब क्या है, प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि पटवारी उस गाँव का जिम्मेदार रखता है, मतलब कि उससे, उस गाँव से संबंधित जो भी वहाँ का क्षेत्र है, उससे संबंधित जो भी लेखा जोखा है उसका कागजात उसके पास होता है। अब अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए, इस प्रकार से जो है दर्शाया गया है। अब यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों को जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जंजीर के माध्यम से भी नापते हैं। ठीक है,
अब कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम जरीब कहते हैं, जरीब। ठीक है, आप लोग जो जब गांव में आपको जब कभी झगड़ा हुआ होगा तो लेपकाल आपके गांव में आए होंगे, तो लेपकाल ने क्या किया था वहां पे, तो लेपकाल जो है वो जंजीर के माध्यम से, जिसे हम जरीब भी कहते हैं, उसके माध्यम से उसने नापा होगा, उसके बताया होगा कि हाँ ये इतना इनके इनके खेत में बढ़ रहा है या फिर इतना जो है आपके हिस्से में आ रहा है, तो उसके माध्यम से नाप के वो खसरा खतौनी के हिसाब से वो वहाँ पर बताते हैं। ठीक है, आपको तो ऊपर दी गई कहानी में पटवारी जो है मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाता है अथवा नहीं। अब देखिए, अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत में सीमा बदली गई है, और पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। पटवारी का यह काम होता है। अब देखिए, यह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी के नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। ठीक है, अगर वो बढ़ता है तो बताएगा कि हाँ इसने बढ़ाया है मेड़, अगर उसके खेत में आता है। अगर नहीं बढ़ता है, अगर नक्शे यानी खसरे के हिसाब से अगर वो नक्शा वहीं पर फिट बैठ जाता है, डेफिनेटली वो कहेगा कि जो यहाँ पर वर्तमान समय में स्थिति है ये सही है। ठीक है, तो वहाँ से पता लग जाता है खसरा के माध्यम से, जिसके पास उसके पास नक्शा होता है। अब राजस्व विभाग का कार्य क्या होता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, और इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का कार्य होता है। ठीक है, समय समय पर क्या करता रहे, दुरुस्त करता रहे। ठीक है, मान लीजिए राजस्व विभाग मतलब क्या हुआ कि जैसे कि किसी ने ज़मीन बेच दी, तो किसी ने ज़मीन दूसरे ने लिखवा ली, अब वो क्षेत्र दूसरे नाम हो गया। ठीक है, अब उससे संबंधित जो है सभी रिकॉर्ड जो है उसको फिर से वापस से दुरुस्त किया जाए, तो ये सब जो काम होता है जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का कार्य होता है कि ये सभी घटनाओं की जानकारी रखे। ठीक है, तो अब अगला क्या है कि इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तहसीलदार जिसे हम कहते हैं, आगे भी देखेंगे भी। तो भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, जो सभी राज्य हैं वो जिलों में बटे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, 72 जिले हैं, कितने जिले हैं। ठीक है, तो 75 जिले हैं। अब जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। ठीक है, तो कई जिले जो होते हैं वो कई तहसीलों में बटे होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि आपका तहसील क्या है, तो जैसे बताया जाएगा मछली शहर, तो आदि आपका जो जो भी हो, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है बांट सकते हैं। तो क्या बताया गया है कि एक राज्य कई जिलों में बटा होता है और कई जिलों को तहसीलों या फिर तालुकों में बांट दिया जाता है। अब जिला के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील कहते हैं हमारी अपनी भाषा में। अब सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे क्या होता है, तहसीलदार होता है। ठीक है, जो आप UPSC देते हैं, UPPCS देते हैं, तो उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो पद जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आवंटित की जाते हैं। अब राजस्व विभाग समझते हैं, तो उन्हें विभिन्न मामलों का निपटाना होता है और वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व अर्थात विभिन्न तरह के कर का इकट्ठा होता रहे। ठीक है, अब देखिए, वह यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए और वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर, कौन, तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार क्या देखते हैं कि वह यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए और वे कहते ना कि इसकी नकल कॉपी निकलवा लाओ, गाँव में भाषा कहते एक हज़ार नकल कॉपी निकलवा लाओ, तो उस प्रकार की जो भाषा यूज करते हैं। तो हमें बचपन में क्या होता था, हमें इसका महत्व नहीं पता था, हमें क्या होता था कि नकल कॉपी क्या होती है, मतलब कि नकल कॉपी वही होती है कि जो खसरा है उसी की नकल कॉपी, मतलब फोटो कॉपी निकलवा लाइए, तो उससे पता चल जाएगा आपकी कितनी ज़मीन है, वहाँ पर कितना खसका है, वो समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, कई बार हम जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उस पर तहसीलदार की मोहर लगना ज़रूरी होता है, तो तहसीलदार जो है वे विद्यार्थियों की ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी भी करते हैं। अब तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले जो है वो सुने जाते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि ज़मीन किसके नाम पे है, तो हम क्या कहते हैं, अधिकतर हमारे मन में पहला क्या होता है कि पुरुष के नाम पे ज़मीन होगी। तो जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर किसान ध्यान में पुरुष होते हैं। ठीक है, मतलब जब भी किसान का मस्तिष्क पर अपने जब भी हम किसान की कल्पना करते हैं, तो कल्पना के रूप में हमें पुरुष ही दिखाई देता है। तो महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने एक मददगार भर मानी जाती है। ठीक है, वो मददगार की रूप में जानी जाती है। तो उसी के लिए क्या आया था, उसी के लिए कानून आया था, हिंदू अधिनियम धारा 2005, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है।
यानी औरतें जो होती है कभी भी ज़मीन का मालिकाना हक उनको नहीं दिया जा रहा था। वर्तमान समय में तो इसके कई प्रावधान किए गए हैं। तो अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। अब पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन जो है वो बेटों में बांट दी जाती थी। अब हाल ही में कानून बदला गया और नए कानून के मुताबिक बेटे और बेटियों को उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ठीक है, तो अब जो है बताया गया है कि जो वर्तमान समय जो हिंदू अधिनियम है, हालांकि 2020 में भी इसका परिप्रेक्ष्य, इसका संशोधित रूप कानून जो है लागू किया कर दिया गया है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें बताने की कोशिश की गई है कि अब पहले क्या होता था कि जो बाप की जो मृत्यु हो जाने के बाद उस ज़मीन पर अधिकार उस बेटों का होता था, लेकिन वर्तमान समय में बेटे और उसकी माँ का भी समान अधिकार होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 37, यहाँ पे हमारा पाठ छठवां भी लेसन समाप्त हो चुका है, सातवां देखेंगे। तो सातवां हम यहाँ पे देख लेते हैं, नगर प्रशासन संबंधित, ये हमारा सातवां लेसन है, इसको हम अगले देखेंगे। आइए देखते हैं नगर प्रशासन क्या है। आवर विलेज आवर सिटी, ठीक है, देखिए एक गांव के मुकाबले शहर में ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती है और अस्पताल भी होते हैं, जबकि गांव के बाज़ारों में अगर हम देखा जाए तो ये समान तौर पर ये इतनी सुविधाएँ नहीं होती हैं गाँव में हमारे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है और कैसे निर्णय लिए जाते हैं? यानी जो शहर है उसके संचालन में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, इसके कार्यों का कार्यान्वयन कौन संस्था करती है? अब देखिए कैसे योजनाएँ बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं या जो सारा काम करते हैं, यह कौन लोग हैं, आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं, जो किसी भी नगर क्षेत्र का निर्वहन, जो नगर क्षेत्र के जो कार्य होते हैं, जो विकास कार्य होते हैं, वो इसको करते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई करने का कार्य करती है। नगर निगम का विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदू राव हॉस्पिटल्स, ये क्या है, नगर निगम के माध्यम से ये बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कूड़े करकट होंगे, साफ सफाई हो गया, ठीक है, नगर की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे, तो नगर पालिका का ये काम होता है, नगर निगम का। शहर में दरवाजे और अस्पताल चलाता है, ये महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं। नगर पालिका परिषद इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो नगर पालिका जो कि भिंड मध्य प्रदेश में है, एक इसकी फ़ोटो ली गई है। यह बाग बगीचों की रखरखाव भी करता है, बड़े शहर हैं और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। जो बड़े शहरों का जो शासन प्रशासन चलाते हैं उनको हम नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, नगर निगम क्या कहते हैं किस शहर को, तो बड़े शहर और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं और जो छोटे कस्बे होते हैं उसे हम नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, तो ये नगर पालिका और नगर निगम किसके आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, तो उनकी जनसंख्या के हिसाब से इनके डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, नगर निगम, और जहाँ छोटे छोटे कस्बे होंगे, जहाँ की जनसंख्या कम होगी, वहाँ हम नगर पालिका। जैसे दिन निर्धारित किया गया कि 1000 जनसंख्या पर जो है वो नगर निगम का जो है नगर पालिका का निर्माण कर दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं और इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आइए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि ज़्यादातर जो नगर निगम होते हैं वो पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेंगे। तो ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत होता है, ग्राम हमने देखा, उसी तरह से नगर निगम में क्या होता है, एक पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है, अब शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद जो है चुनाव होता है। मान लीजिए कोई मुंबई है, ठीक है, शहर हो गया, अब इस शहर को जो है कई वार्डों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, कई वार्ड में बांट दिया जाएगा, अब कई वार्डों में क्या होंगे कि वहाँ पर पार्षद का चुनाव होगा, तो पार्षद जो है वो नगर से संबंधित जो भी विकास कार्य होंगे उससे संबंधित वो क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। ठीक है, अब ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण के स्वरूप अगर देखा जाए तो एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा किस प्रकार से साफ किया जाए, इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो नगर निगम या फिर उनके समूहों को द्वारा लिया जाता है।
ज़्यादा नियमित रूप से साफ़ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियाँ ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है, जो नगर निगम की समितियाँ होती है। ठीक है, उदाहरण के अगर देखा जाए तो अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद क्या करता है, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं, जहां पार्षदों की समितियों एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। ठीक है, वहीं उन्हें लागू करने का काम जो है वो आयुक्त, जिसे हम कमिश्नर कहते हैं, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ठीक है, अब आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो है वो निर्वाचित होते हैं। बेसिकली हमने वहाँ पे सचिव देखा था ग्राम पंचायत में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कमिश्नर या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, आयुक्त कहते हैं, ये क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, लागू करने का जो कार्य होता है वो आयुक्त का होता है। अब आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो सरकार द्वारा नियुक्ति होती है, जबकि पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, तो नगर निगम के ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सारे वार्ड, ठीक है, मान लीजिए एक शहर है, वो शहर कई क्षेत्रों में बटा हुआ है और कई वार्डों में बटा हुआ है, तो कई वार्ड से जो है एक हर एक वार्ड में जो है एक पार्षद होता है। तो सारे वार्डों के पार्षद जो है वो मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय में एक बजट बनाया जाता है, और उसी बजट के अनुसार जो है वो पैसा खर्च किया जाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक दिखाया गया है किस प्रकार से पार्षद आपस में मिले गए हैं। अब यहाँ पे बजट का निर्माण होगा, इसके बाद वहाँ पे पैसों का जो है सम्मिलित रूप से वो खर्च करेंगे। अब पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जाए। अब सभी पार्षद क्या करेंगे कि अपने क्षेत्र विशेष की जो भी मुसीबतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सभी क्या करेंगे कि वार्ड के सामने, परिषद के सामने वो रखते हैं। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है, अब इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स, जिसे हम कर कहते हैं, ठीक है, जो कि गाड़ियों पर लगाया जाता है, ठीक है, नेशनल हाईवे पर लगाया जाता है, जो भी उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत लगाया जाता है। जैसे कौन कौन से टैक्स हैं, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गया, ठीक है, वाटर टैक्स हो गया, तो इस पर क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इस पर आप सभी जो टैक्स देते हैं वो नगर निगम के अंतर्गत आता है, और नगर निगम उन्हीं टैक्स के माध्यम से जो है वो नगर निगमों माफ़ कीजिएगा वो उन्हीं शहरों का जो है उन्हीं वार्डों का संचालन करता है। ठीक है, अब जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। आपने देखा होगा कि शहर में अगर आप छोटा बघाड़ा रहते हैं, या फिर इलाहाबाद के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे आप जब देखते होंगे कि आपके जो रूम मालिक हैं तो वो लोग क्या होते थे, हाउस टैक्स देते होंगे, या फिर जो पानी आता है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब किसके खाते में जाता है, नगर निगम के खाते में जाता है। ठीक है, जो पार्षद इससे काम करते हैं। अब देखिए, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप यदि किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी क्या करता है, आपको कर देना होता है। ठीक है, अब अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो जो हम पिक्चर देखते हैं मूवीज हॉल में, तो उसमें भी हमें को आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है, इत्यादि ये तमाम प्रकार के विभाग हैं, ठीक है, जिनको आपस में बांटा गया है। अब देखिए, नगर निगम जिस कूड़े कचरे का इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है, अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ इकट्ठे भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है, बेसिकली लोग इनके बदबू से बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, अब नगर निगम क्या करती है, नगर निगम ही यह सुझाव देता है कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच और जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। ठीक है, बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ऐसे कचरे हैं जो कि गलने वाली चीज़ें हैं, जैसे एक कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, जैसे खाना हो गया जो भी बचता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो गई जो गलने योग्य हैं, तो उनको एक कचरे में डालें, एक डिब्बे में। ठीक है, तो आपको कई शहर में आपको डिब्बे मिल जाएंगे कि एक नीला डिब्बा हो जाएगा, एक हरा डिब्बा। ठीक है, तो उसमें डाला गया है कि जो नीला डब्बा है उसमें गीला कचरा डालें, जो हरा डब्बा है उसमें सूखा कचरा डालें। तो उससे क्या होता है कि जो आपके जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं उनको भी सुविधाएँ मिल जाती हैं, तो वो भी आसानी से जो है वो कचरों का जो है
बड़ी आसानी के साथ में एक गाड़ी में जो है सूखा कचरा डाल देंगे, एक गाड़ी में गीला कचरा डाल देंगे। उनको भी सुविधाएं होती है, इसके बाद वो क्या करेंगे, उनका संशोधन भी कर सकते हैं। तमाम प्रकार की जो घटनाएं होती है आगे देखते हैं। लेकिन हम अगर हम यही चीज़ें क्या करते हैं, एक साथ कचरे को हम फेंक देते हैं, तो उन लोगों को, कर्मचारियों को यहाँ पर दिक्कत आती है। इसलिए कहा गया है कि नगर निगम ही सुझाव देता है कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। अब जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वाले काम थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इस वजह से आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो है ये अपने कार्यों को समझे, ठीक है, अपने कार्यों का निर्वहन करें, जिसकी वजह से अगर आप अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे तो लोगों को भी जो है आसानी होगी, ठीक है। तो अगला हमारा अध्याय जो है वो 8वां अध्याय है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कैसे होती है, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठ की तरह यहां भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब आजीविका जैसे रोजगार बात करेंगे, ठीक है, रोजगार की बात करेंगे कि गांव के लोग, पहली बात तो वहाँ पर कृषि पर निर्भरता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, कृषि के माध्यम से आजीविका चलाते हैं। लेकिन रोजगार जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है, नरेगा हो गया, तो इस तमाम प्रकार की जो सरकार भी योजना चलाती है कि 36 घंटे या फिर कई दिनों तक आपको जो है रोजगार देती है, 3 महीनों का रोजगार की गारंटी देती है, तो ये गारंटी स्कीम भी है, इसके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। बात करें कि तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गाँव है जिसे हम कलपट्टू के नाम से जानते हैं। अब यहाँ लोग कई तरह से काम करते हैं, दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे गांव के लोग होते हैं उनकी जो आजीविका होती है वो कई संसाधनों पर निर्भर होते हैं। कुम्हार लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि चाक चलाकर या फिर खेती करके तो वो अपने इस प्रकार से आजीविका चलाते हैं, या फिर कई प्रकार से हम देखते हैं कि बर्तन बनाकर कुछ लोग टोकरी बनाकर, कुछ लोग घड़े ईंट इत्यादि बैलगाड़ी बनाकर, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। अब कलपट्टू में कुछ लोग क्या हैं, नर्स हैं, कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग धोबी हैं, कुछ लोग बुनकर हैं, कुछ नाई हैं, कुछ साइकिल ठीक करने वाले लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ सब कुछ जो है, यहाँ पर कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली एवं बाज़ार की तरह दिखती है, ठीक है। अब कलपट्टू गांव की बात करते हैं तो उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा दो दुकानों के बीच खाद की, ठीक है, चार दुकानें चाय की हैं जहां टिफ़िन भी मिलता है, ठीक है, तमाम प्रकार के यहां पे आपको दुकानें मिल जाएंगी। अब दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, साइकिल की मरम्मत का एक दुकान है, और कुछ लोगों के पास शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी मतलब गाड़ी, ठीक है, लॉरी चलाने का काम करते हैं, ठीक है, जो कि आप आमतौर पर देख सकते हैं गाँवों में। गाँव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है और ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। बेसिकली ये बात की गई है कि किस प्रकार से निर्भरता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे दुकानों पर अपने खोल कर आजीविका चलाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि शहर में जाकर लॉरी चलाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या बताया गया है कि शहर में जाकर अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि कृषि पर निर्भरता सबसे ज़्यादा होती है, धान की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। क्यों धान की पैदावार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पे धान की मात्रा भी ज़्यादा पैदा होती है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ गाँव है, ठीक है, और यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है। अब अगली बात करते हैं कि आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखिए कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में क्या होता है, बीतता है। अब इन कामों में कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उनसे गुजारा नहीं होता है, घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। और हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% जो है वो खेतिहर मजदूर है। बेसिकली बताने की कोशिश की गई कि वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उनसे क्या होता है, उनसे गुजारा नहीं होता है, ठीक है, जो भी मजदूरी करके वो कमाते हैं, ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं किस प्रकार से ये मजदूरी कर रहे हैं। और घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है, ठीक है। और हमारे देश में बताया गया कि जो 40% जनसंख्या है वो क्या है, वो खेतिहर मजदूर है, ठीक है। देखिए कि
कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। तुलसी एक गांव का व्यक्ति है जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है। कई बार क्या होता है कि जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, ठीक है। और इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है, तो पलायन को भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किसान क्या होता है कि ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं और अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है, ठीक है। अब अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते हैं या फसल को कीड़ा लग जाता है या तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अब बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल क्या होती है, ख़राब हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि जो गांव के जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो साहूकार से पैसा लेते हैं किसके लिए, बीज के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए, गुड़ाई के लिए, तमाम प्रकार के जो कृषि कार्य है उसके लिए पैसा लेते हैं। अगर उनकी फसल की पैदावार अच्छी हुई तो वो पैसा चुका देते हैं, नहीं तो क्या होता है कि वो कर्ज के तले दब जाते हैं। वही चीज़ें बताई गई है। अब कई बार क्या होता है कि परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज लेने के तौर पर कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है, लोन लेते हैं। अब क्या होता है कि प्रत्येक भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार क्या होते हैं, खेतिहर मजदूर हैं। अब ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं और इनमें से कई जो है वो भूमिहीन है और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटे किसान की ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे कम पड़ते हैं। अब भारत में 80% जो है किसानों का यही हाल है, मतलब उनके पास क्या है, छोटी छोटी भूमिहीन है। तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने कर्ज के लिए, अपने पेट भरने के लिए सिर्फ वो काम कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब उनकी उनसे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है तो वे क्या करते हैं, पलायन करते हैं। अब भारत में केवल 20% ही किसान जो है वो बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं जिनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो खेत है, ठीक है। अब ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं। अब उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग जो है बाज़ार में बेचा जाता है और कई बड़े किसानों ने अब अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ चलाना। बेसिकली जो 20% किसान आते हैं जो कि बहुत उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में उनके पास ज़मीन है, तो ये क्या करते हैं, वो अपने अनाज को बाज़ार में बेचते हैं और तमाम प्रकार के वो काम करते हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना, ये तमाम प्रकार के वो कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो मध्य भारत है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि खेती पर और जंगल की उपज दोनों पर आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। अब देखते हैं कि महुआ बिनना, ठीक है, जो गाँव हम आप लोग जानते भी होंगे, एक पेड़ होता है, और तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना, शहद निकालने और इन्हीं व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय की मदद करते हैं। और इसी तरह जो है इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका के कमाने का मुख्य साधन होता है। तो ये सभी साधन हैं जो कि किसान जो है उसके माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। और समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाँव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। केरल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जो केरल के आसपास के जो गांव हैं उसमें महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय जो है विभिन्न तरीकों से कमाते हैं और कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। और खेती में उन्हें कई तरह का काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई, इस प्रकार से वो कार्य करते हैं, ठीक है। अब फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं और इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। अब बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बो तो देते हैं लेकिन हमारी अधिकतर निर्भरता जो होती है, जो आज के किसान का अगर देखा जाए तो प्राकृतिक निर्भरता किसी कृषि करते हैं, यानी अगर पानी बरसा तो अच्छी फसल हुई और नहीं बरसा तो हम क्या करती है, फसल बर्बाद हो जाती है। अब देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। जिस तरीके से वहाँ की जलवायु होगी, जिस तरीके के वहाँ का जो है मौसम होगा, उसी प्रकार से जो है जलवायु के हिसाब से फसलें बोई जाती हैं। फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरी के रूप में निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर किसान क्या होते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। अब कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लिए हैं। इसको कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। बताने की कोशिश की गई है, कई बार क्या होता है
कि किसान जो है वो कई साहूकारों से पैसे ले लेते हैं, और वो साहूकार उनसे वादा वादा ले लेता है कि जब तुम्हारा ये खेती जब तुम्हारी ये फसल होगी तो ये फसल तुम मुझे कम दामों पर बेच दोगे, ठीक है। तो ये इनसे वादा ले लेता है, कई बार किसान किसानों से ये वादा ले लिया जाता है, या फिर कई बार क्या होता है किसान का जब एक्स्ट्रा होता है तो वो क्या कर देते हैं, वो बाज़ारों में बेच देते हैं, इनसे उनका साधन जो है वो गुजर बसर हो जाता है। अब गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है, या फिर तब लोन लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, फिर भी ज़्यादातर जो छोटे किसान वो खेतिहर मजदूर हैं, वो मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल जो है रोज़गार नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से हमारा 8वां लेसन भी समाप्त होता है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं जो कि हमारा 9वां लेसन है, ठीक है। 9वां लेसन को हम देखेंगे, तो आइए देखते हैं कि 9वां लेसन हमारा है कि सरकारी क्षेत्र में आजीविका किस प्रकार से। अभी तक हमने गांव में किस प्रकार से आजीविका देखी थी, अब शहरी क्षेत्र में हम देख लेते हैं। अब भारत में क्या है कि हमने 6 लाख देखे थे गांव से, 6 लाख से अधिक गांव है, लेकिन भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर है और 27 महानगर हैं, ठीक है। अब चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं, हालांकि अभी संख्या और भी बढ़ गई है। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी के लिए मिलते हैं। और सड़क शहर में कई सारे लोग जो है सड़कों का काम करते हैं और वे चीज़ बेचते हैं और उनका मरम्मत करते हैं या फिर कोई सेवा देते हैं, वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम जो है वो खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए, और उनकी दुकानें जो होती है वो अस्थायी होती है, कई बार म्यूनसिपैलिटी जो होती है वहाँ की जो संस्था होती है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सर में, तो वो क्या कर देती है, हटा देती है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि टूटे फूटे गत्ते, डिब्बे या फिर बक्सों पर कागज़ फैला कर दुकान बन जाती है, जैसे आप लोग इनको इनको देख सकते हैं चाचा को, ठीक है। तो क्या कर लिए, ये गत्ते बिछा लिए हैं नीचे, ठीक है, और ये मोची का काम कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे अस्थाई होती है, कई बार क्या होता है कई लोग भगा देते हैं इनको, हटा देते हैं कि हमारे सामने से हट जाओ, ठीक है, हमारे यहाँ पे मत लगाइए, सड़क के बगल मत लगाइए। तो तमाम प्रकार के इनके सामने स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो वो घूमती रहती हैं, हालांकि उनको अगर देखा जाए तो काफ़ी दयनीय स्थिति होती है, हालांकि चलिए उसको मैं एक बार डिस्कशन करेंगे अगले किसी अध्याय में। अब वे अपने ठेले या फिर सड़क पर पटली पर प्लास्टिक बिछाकर भी यह काम करते हैं। अब उनको पुलिस कभी भी अपना दुकान को हटाने को कह सकती है, ठीक है। अब उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, कोई ऐसी भी जगहें हो जहाँ पर ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता है, ठीक है, और ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वो अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं, ठीक है, हाथों की बनी होती हस्तशिल्प होते हैं। तो हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। तो क्या कर दिया जाता है, एक साथ साफ़ कर दिया जाता है उन सभी क्षेत्रों को, एक तरह से हम साफ़ तो कर देते हैं, ठीक है, हम अपनी इंडिया को एक तरह से साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन हम उन गरीब बेचारों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, वो बेरोज़गार हो जाते हैं उस टाइम पर अगर देखा जाए। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। अब सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। बेसिकली कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात, ऐसे लोगों को आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा झुकाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेला पर सामान बेचने वाले लोगों के लिए तय कर दिए जाएँ, ठीक है। अब क्या होता है कि शोरूम के लिए अलग अलग वे जगहों पर सामान खरीदते हैं, ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। अब कुछ सामान जो है वो दिल्ली के पास शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनलों पर विज्ञापन देना होता है, ठीक है, वो जो शोरूम है उसको चलाने के लिए जो हम विज्ञापन करते हैं। अब बड़ी दुकानों की बात किया जाए तो जिनके पास शहर में बाज़ारों में छोटी 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 बड़ी दुकानें अलग 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 चीज़ें जो है बेचते हैं, ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार क्या करते हैं, खुद संभालते हैं, वे किसी दूसरे को नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या फिर सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है और नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद करना रहेगा। उदाहरण के लिए किसी बाज़ार को दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं, ठीक है,
कई बार क्या होता है कि साप्ताहिक भी बाज़ार लगता है, जैसे हम जैसे दिल्ली के अगर मालवीय नगर की बात किया जाए तो दिल्ली में अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे मंडे मार्केट लगता है, ठीक है। दिल्ली अगर आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मंडे मार्केट लगा है जो कि हर सोमवार को लगता है, ठीक है। किसी दिन वेडनेसडे मार्केट लगता है, अलग अलग जो कि साप्ताहिक दुकान जिसे हम कहते हैं कि हफ्ते में एक बार जो है दुकान लगती है। अब इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टोर किस प्रकार से खोले गए हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, शहर में भी यही हालत है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, आप इलाहाबाद में अगर रहते होंगे तो एक यहाँ पर है जिसे कौन सा चौराहा कहते हैं, मजदूर चौराहा आई थिंक उसको हम थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं, लेबर चौराहा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेबर चौराहा, ठीक है। तो लेबर चौराहा के नाम से फेमस है। अगर आप छोटा बघाड़ा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसके आगे जो है लेबर चौराहा आपको वहाँ पे मिलेगा। तो शहर के मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए रहते हैं और कुछ टिक कर खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे शायद किसी का इंतजार करते हैं। कुछ स्कूटर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये तिहाड़ी मजदूर होते हैं जो कि दिन भर काम करने के लिए 400 या 500 रुपए लेते हैं। तो ये 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप लोग इनकी देख भी सकते हैं। इनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। ये इनकी जो है रोज़गार फिक्स नहीं होता है, कई बार इनको कुछ लोग काम दे देते हैं, कई बार क्या होता है कि कई पूरे दिन बैठे रहते हैं, इनको तो काम ही नहीं मिलता। तो ये परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी इनकी काफ़ी दुविधा होती है। तो यह लेबर चौक कहलाता है, जिसे हम लेबर चौराहा भी कहते हैं इलाहाबाद में, ठीक है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं, जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रकों पर सामान उतारते हैं, ठीक है। तमाम प्रकार के कार्य करते हैं और कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर जो है वो शहर में रहते हैं। अब क्या होता है कि हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उसमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे और उस विभाग में हमने देखा कि लोग जो है वो छोटे कमरे में मशीनों पर कार्य कर रहे थे। इसको हम दफ्तर के माध्यम से देख रहे हैं, फैक्ट्री, ठीक है, जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री में भी जो काम होता है डिवाइड होता है। अब देखा जाए तो इसमें देखा जाता है कि एक एक व्यक्ति जो है एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर एक कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे के एक तरफ करके लगाए जा रहे थे, ठीक है। तो इनके जो है कार्य जो है काम को डिवाइड कर दिया जाता है, फैक्ट्री में बेसिकली काम को डिवाइड कर दिया जाता है। एक क्या करता है, एक सूत काटने का काम करता है, एक उसको प्रेस करने का काम करता है, एक जो है उसको सिलने का काम करता है, एक जो है उसको बांधने का काम करता है, एक उसको पैकिंग करने का काम करता है, एक उसको खसकाने का काम करता है। तो इस तमाम प्रकार के जो है काम को बांट दिया जाता है। अब इस फैक्ट्री में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते थे। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली ये मौसमी मजदूर होते हैं। जैसे एक विशेष स्थिति में ही इनको रखा जाता है और इनकी बुनियादी जो है आधार जो है वो मजबूत नहीं होता है, इन्हें कभी भी हटा दिया जा सकता है। अब दिसंबर से अप्रैल तक काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है और हफ्ते में 6 दिन काम होता है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ जाता है और जून तक काम खत्म हो जाता है तो इन्हें फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, ठीक है, अचानक से इन्हें हटा देते हैं और हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है और ज़्यादातर कारीगर जो है अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है और उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है, ठीक है। ये मौसमी, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मौसमी व्यक्ति होते हैं जो एक विशेष तौर पर जो जब इनकी ज़रूरत होती है तो इन्हें रख लिया जाता है, जैसे ज़रूरत इनकी ख़त्म होती है तो ये क्या करते हैं, मालिक जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो इनको हटा देते हैं। अब साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। अब इस तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है, ठीक है, धमकी भी दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर कई लोग खड़े रहते हैं उनके पीछे। इस वजह से लोग जो है लोगों से अधिक अधिक काम कराया जाता है और कम से कम वेतन देने की कोशिश की जाती है। अब नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। अब उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है, ठीक है, जो कि हमने बताया है। अब उदाहरण के लिए बिजली के चलने वाली पावर लूम की फैक्ट्री में अगर देखा जाए तो मजदूर दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। अब उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है, ठीक है। पावर लूम जो था आपने यहाँ पे मुंबई में आपने अधिकतर देखा होगा कि 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है। अब ये लोग 10 से 12 हज़ार रुपये पाते हैं तनख्वाह, ठीक है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इनकी स्थिति है। अब दफ्तर ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आते हैं और कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ते दिखते हैं और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ, ठीक है। ये शहर की स्थितियों को दिखाया गया है। नियमित तनख्वाह नहीं मिलती है, माफ़ कीजिएगा, नियमित तनख्वाह मिलती है और लंबे समय तक अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत,
ये क्या है, दफ्तर की बात कर रहे हैं हम, इस बात को समझिएगा। दफ्तर में, दफ्तर एक ऐसी जगह होती है जहाँ चारों तरफ से बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ठीक है। दफ्तर क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि दफ्तर, अभी ऑफिस गए हैं, ऑफिस से जाने के बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, सैकड़ों लोग बाहर आते हैं और कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ते दिखते हैं और कुछ लोग बसों की पंक्तियों की तरफ, ठीक है। इनकी अलग ही पहचान होती है। अब नियमित तनख्वाह मिलती है इन्हें, लंबे समय तक अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए जो बचत होती है जिसे हम पेंशन के रूप में जानते हैं। अब उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य के निधि के सरकार के में पास डोहर डाल दिया जाता है। अब इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी में सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा उसे मिल जाता है। छुट्टियों की बात किया जाए तो इतवार और राष्ट्रीय त्यौहारों पर उनके लिए छुट्टियाँ भी मिलती है और उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ जो दिन हुए वो मिलते हैं। अब परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी कई कंपनियां जो है उनको देती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, तो कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा जो है वो वहन करती है या उठाती है। अब बात करते हैं कॉल सेंटर की। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है और शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, ठीक है। वे लगातार उसी दफ्तर या फिर फैक्ट्री में काम पर जाते हैं और उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो बेसिकली दफ्तर में आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको निकाला नहीं जाएगा, आप वहाँ पर परमानेंटली रूप से रहेंगे। शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह से काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ये कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ जो है चैप्टर समाप्त हो गया। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमसे इतने समय तक जुड़े रहे। इसी प्रकार से हमारा अगला जो है क्लास 7 की NCERT आएगी, क्लास 8 की NCERT भी आएगी। अगर कोई कमी रह गई हो इसमें डेफिनेटली आप उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस कमी को सुधारा जाए, या फिर अगर अच्छी चीज़ें, अच्छी वीडियो लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ समझने वाली नहीं थी, इस वजह से मैं कई चीज़ें जो है जल्दी जल्दी बता दिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।